कैसे हो आप लोग। हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो अगर आपको लास्ट एपिसोड याद नहीं तो मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे दूं। लास्ट एपिसोड में क्या हुआ यार, लास्ट एपिसोड में ना टग्गर बॉस ने मुझे डायरेक्टली फोन किया और बोला है कि यार तेरी NSG सिक्योरिटी लेकर आ जा एक लोकेशन पर। वो लोकेशन पर मैं जाता हूँ और देखता हूँ क्या भाई उसके पास ना SPG सिक्योरिटी होती है, एंड फिर वहाँ पे ना खतरनाक वाली फाइट होती है, एंड वहाँ पर ना उस फाइट में टक्कर बॉस खुद होता है। तो यार फिर क्या हुआ गाइस, हमारी NSG सिक्योरिटी ने उसकी ना भाई सिक्योरिटी को भाई धूल चटा दिया। मतलब वो फाइट इतनी खतरनाक हुई ना, इतनी खतरनाक हुई, हमारे खुद भाई कुछ ना सोल्जर्स मर चुके, हमारी सिक्योरिटी के कुछ बंदे मर चुके, बट कोई बात नहीं, हमने उसके सारी सिक्योरिटी ख़त्म कर दिया। और डगन बॉस को ना मेरे सीक्रेट कैंप पे मैंने अभी बंद करके रखा हूँ। तो यार अभी ना हम लोग ने क्या एक प्लान बनाया, फिर उसी टाइम जब हम लोग फाइट कर रहे थे ना SPG सिक्योरिटी से डगन बॉस से, तो उसी टाइम हमारा प्लेबॉय मैंसन पे अटैक हो गया। मतलब ये जो बंदा है ना क्रूजर का भाई जिसको मैंने मारा था, मतलब क्रूजर को मैंने मारा था, उसका एक और भाई है मार्टिन, आपको पता ही होगा वो कितने मेरे पे अटैक करवा रहा है। उसने उसी टाइम पे मेरे प्लेबॉय मैंसन पे अटैक कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे उस मैंसन पे सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि वो सारी सिक्योरिटी मैं ना अटैक करने के लिए मेरे साथ ले गया। वहाँ पर सिर्फ 10 या 12 ही लोग होंगे, बट वो सारे के सारे मर चुके थे, एंड वहाँ पर मार्टिन की यार 50-60 लोग आए, एंड वहाँ पे सबको मार दिया। फिर गाइस लोल हो गया, एंड सारा का सारा मेंशन उसका हो गया, एंड बहुत कुछ हुआ है पिछले एपिसोड में, ज़रूर जाके देख लेना। और इस वीडियो का लाइक टारगेट यार 1.5K लाइक ज़रूर कर देना यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो और सब्सक्राइब तो भाई करते नहीं हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो यार चलो हम लोग ना आज ने खतरनाक वाला आपको दिख रहा हूँगा हमारी सिक्योरिटी। तो यार देखो ये वाला मेंशन अभी हाथ से नहीं जाना चाहिए, तो मैंने निंजा सिक्योरिटी, SPG सिक्योरिटी और NSG सिक्योरिटी और मॉन्स्टर सिक्योरिटी सबको इधर बुला लिया है। मैंने बोला कि देखो भाई मैं जो रिस्क नहीं लेना है, तो ये देखो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैंने इनको बोला यार देखो बढ़िया वाली ट्रेनिंग करो अभी ना, ये जब मार्टिन है ना ये डगन बॉस से भी खतरनाक बंदा है ना भाई, मतलब इसका जो मास्टरमाइंड है ना भाई, मैंने सोचा नहीं था ये इतना मास्टरमाइंड होगा। मतलब देख रहे हो उसने खुद के बंदे अटकवा के मतलब डगन बॉस को मतलब वो कर दिया, पता है डगन बॉस को तक फाइट करने तक भेज दिया, एंड उसी टाइम पे मेरे पे अटैक, मतलब मेरे मानसन के लिए अटैक कर दिया। मुझे पता नहीं है ये डगन बॉस को मैंने वैसे पकड़ तो लिया है, अभी मैं जाने वाला उसके पास एंड ना उसकी बैंड बजाने वाले। तो यार देखो हमने यहाँ पे मीटिंग किया है, तो देखो यहाँ पे मैंने SPG एंड ये 4 सिक्योरिटी मेरे पास सारे के सारे इधर लगवा दिए। अभी और एक हमको एक सिक्योरिटी लेनी है, तो आगे जाके आपको पता चलने वाला है, तो वीडियो पूरी देखो। और गाइस वीडियो बहुत ओपी होने वाला है, तो प्लीज़ सारा के सारे बंदे पूरा वीडियो देखना, फिर ही समझ आएगा। सो यार देखो यहाँ पे ना भाई सारी सिक्योरिटी हमारी रेडी है, NSG निंजा मॉन्स्टर सिक्योरिटी और मॉन्स्टर सिक्योरिटी। तो यार ये देख रहे हो यहाँ पे कुछ मेरे पेट्स भी है यार, देखो मैं प्ले बे ये जो मेली भी मैंशन है भाई, मैं कब से आया हूँ इधर आपको पता ही होगा भाई, मैं इतने दिनों के बाद इधर आ रहा हूँ ना, तो ये पेट्स मेरे पास ही घूम रहे हैं। मतलब देख रहे होता है ना एनिमल्स लव होता है ना, मतलब ये मेंशन पे पता ही होगा मैं कितने दिनों के बाद आया हूँ। सो यार अभी फटाफट से अभी मुझे जाना पड़ेगा, अभी हम लोग लोकेशन पे जाते हैं एंड ना भाई जाके देखते हैं फटाफट से, क्योंकि अभी गाइस देखो हमारा ना भाई बहुत ख़तरनाक वाला बुरा टाइम चल रहा है। मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब दुश्मन इतने हो गए और हमारे पास ना भी कुछ समझ भी नहीं आ रहा।
तो उसके पास ना हम लोग एयर डिफेंस का अटैक भी नहीं कर सकते। मैं सोचा एयर डिफेंस से अटैक करवा देंगे, बट उसने इतने टाइम पे ना एयर डिफेंस भी लगवा दिया। मतलब भाई ये वो बंदा गाइस मतलब कमाल का है भाई, कमाल का है, मतलब क्या ही बोलूँ गाइस, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था भाई क्या ही बोलूँ। तो यार चलो फटाफट से अभी मैं कार में बैठ के निकलता हूँ। एंड यहाँ पर ये देख रहे हो ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है, ये जो लायन है ना, मतलब सॉरी लायन नहीं लेफर्ड है, चीता है यार। ये देख रहे हो इतने दिनों के बाद मैं इससे मिल रहा हूँ ना गाइस, कसम से गाइस। तो यार ये देखो मतलब मेरे पीछे पीछे घूम रहा है यार, ये देखो ये होता है एनिमल। लो यार चले जा यार, मुझे जाना है वरना कब तक मेरे पीछे पीछे आएगा। एक सेकंड, यहाँ पर ये किसको देख रहा है, अरे उसको मारना मत। और ये क्या कर रही है औरत, भाई इसको मरना है क्या यार, ये भाई ये क्या है भाई, भाई ये लॉस सैंटोस में चल क्या रहा है, ये इसको मार क्यों रही थी भाई, WTF हो गया यार ये मतलब भाई मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई ये क्या था, बट पता नहीं। चलो भाई फटाफट से ना यार, अभी आज हमको यार जाके बहुत सारे काम करने, इतने सारे काम करने ना भाई, कसम से बता रहा हूँ। तो यार ये मेरा गैरेज मैंने कितने दिनों से नहीं देखा यार, ये वाला गैरेज देख रहे हो ना, मैंने कितने मेहनत से बनाया है, मतलब देख रहे हो गाइस। तो इसमें मेरा सारा का सारा कार का कलेक्शन है। सो लेट्स गो, अभी चूज़ करते हैं अभी आज कौन सी कार चलाऊँ, क्योंकि आपको पता है मैंने गाइस अभी शोरूम भी खोल रखा है। अभी वो शोरूम में मुझे आप लोग ने कमेंट तो किया, अभी वो सारे के सारे में गाड़ी ना मैंने ऑर्डर दे दिया है, ठीक है ना। अभी वो सारे के सारे कार्स आते होंगे, आप लोग ने बोला इंडियन कार्स भी ऐड करो एंड बहुत सारे कार्स ऐड करो, तो आप लोग मेरे को ज़रूर बताना। जो हमारा शोरूम है ना भाई, उसमें के सारे कार्स अभी सेल हो चुके हैं, तो अभी हमको इंडियंस कार की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो हम लोग ना अभी इंडियंस कार भी ऑर्डर करने वाले हैं। सो अभी जल्द से जल्द ना अभी चलो यार, ये कार ना मैं बहुत दिनों चलाया नहीं हूँ, बट इसमें चलाने मज़ा नहीं आएगा। सो एक सेकंड में देखता हूँ ये कार चलाई क्या भाई, ये कार भी मैंने, ये कार जब से परचेस किया ना ये भी नहीं चलाई, ये तो मैंने अभी चलाई थी बट चलो कोई बात नहीं। ये वाली कार भी बढ़िया है, चलो कोई बात नहीं, ये वाली कार भी बढ़िया है, चलो कोई बात नहीं, ये वाली भी कार ना बढ़िया है, एकदम ही बढ़िया है। सो ओके यार, अभी ना एक काम करते हैं, अपन लोग ने अभी तक ना ये वाली गाड़ी अपन लोग ने थार अभी तक चलाई नहीं है, ठीक है ना यार, थार चला के देखते हैं। भाई आप लोग बोल रहे हो इंडियन कार चलाओ, तो चलो यार थार चलाने में क्या प्रॉब्लम है। सो यार चलो थार चलाते आज एंड थार के मज़े लेते हैं गाइस। थार ना भाई बहुत ही ओपी लगती है चलने में, मतलब भाई खतरनाक वाला ना मतलब फीलिंग आता है, मतलब समझ रहे हो। सो यार अभी मुझे फटाफट से निकलना है, हमको ना टग्गर वो उसकी आज पिटाई करनी है, एंड वो उसने अभी तक अपना मुँह नहीं खोला है भाई, जब से मैंने उसको पकड़ा है ना भाई मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। डगन बॉस रियल है या फेक है मुझे नहीं पता भाई साहब, आजकल ना लॉस सैंटोस में इतनी ज़्यादा। एक सेकंड, ये मेरे पीछे मत आ यार, चला जा यार भाई, यार ये देखो इसको ना कोई पकड़ लेगा लॉस सैंटोस का कोई भी भाई। यार ये देखो यार, कोई ना किसी ने किडनैप कर दिया ना इसको भाई, प्रॉब्लम हो जाएगी यार, प्लीज़ चला जा यार, मेरे को जाने दे, वरना ये मेरे पीछे पीछे आएगा यार। ये सोच रहा हूँ मैं अभी वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि आपको पता है मैं प्ले ये मेली भी मैंशन पर कितने दिनों के बाद आया हूँ यार, देख रहे अभी पीछे आ रहा है। तो यार गाइस एक बार ना मुझे कार से उतरना ही पड़ेगा फिर ना गाइस हम लोग को। यार देखो ये मुझे लग रहा है मैं उसको एक बार बोलता हूँ यार कि देख भाई मैं आने वाला हूँ वापस, तू टेंशन मत ले, डर मत भाई, तू डर मत यार। ये देखो यार, ये एनिमल्स जो होते हैं ना, एनिमल्स लवर जो होते हैं ना भाई, ज़्यादा ही उनको लगा होता है उनके ओनर से। तो यार चलो मैं इसको समझाता हूँ, देख यार मैं आने वाला हूँ वापस। वैसे गाइस क्या ही समझाओ, ये तो मेरी भाषा समझने वाला नहीं है, बट ये आई थिंक मेरे गाइस समझ सकता है। सो यार ठीक है भाई, तू समझ गया ना। सो यार चल कोई बात नहीं, चला जा फटाफट से एंड मैं ज़रूर आऊँगा इसको, मैं बोल रहा हूँ यार। चलो इसने सुन लिया है भाई, पता नहीं क्या समझ आया बट चला गया वो, कोई बात नहीं यार। ये देख रहा निंजा दादा ही झुक गया तू, चल यार फटाफट से बैठ जा। एंड हमको निकलना है सीक्रेट बेस पे, और डगन वो उसकी धुलाई करनी है, उसका मुँह खोलना है, जब तक वो उसका पता नहीं चलता भाई क्या सीन है, मतलब वो कभी फाइट में आता नहीं भाई, भगोड़ा जैसे ना भाग जाता है, बट कोई बात नहीं। तो चलो अभी यार मुझे डाउट आ रहा है कि ये डगन बॉस ही है या कोई और बंदा, आप लोग ने मुझे बोला यार ये फेक डगन बॉस है, तो यार अभी ना मुझे आगे जाके देखना पड़ेगा, अभी उसकी पिटाई करनी पड़ेगी, फिर गाइस जो क्रूजर का भाई है ना मार्टिन, उसकी बैंड बजानी पड़ेगी, और गाइस हमको खतरनाक वाली सिक्योरिटी बाय करनी है, क्योंकि मुझे प्रेसिडेंट ने बोला है तुम्हारे लिए खतरनाक वाली सिक्योरिटी अवेलेबल है। पता नहीं कौन सी वाली सिक्योरिटी होने वाली है, आपको क्या लगता है ज़रूर बताना। सो यार लेट्स को, अभी लोकेशन के ऊपर ही डायरेक्ट मिलते हैं आप लोग को।
ऑल राइट गाइस, फटाफट से हम लोग लोकेशन की ओर पे आ चुके हैं। हमारा जो सीक्रेट बनकर है ना, सीक्रेट बनकर की लोकेशन यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं भाई। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पे हमारा सीक्रेट बनकर है। सो एक सेकंड, यहाँ पे गए होना चाहिए। चलो एक सेकंड भाई, इधर ही है ना भाई। चलो यार, नए रास्ते से एक शॉर्टकट रास्ता मार के आ गया भाई। चल भाई इधर ही भाई। यार ये कार जो है ना थार भाई, एकदम बढ़िया चलती है कसम से भाई। एक सेकंड, यहाँ पे हमारी निंजा सिगरेट लगी हुई है यार। यहाँ पर ना मैंने निंजा सिगरेट लगा के रखी है, क्योंकि ये जो सिगरेट है ना भाई, मेरे बहुत ही भरोसे लायक है। जब भी मैंने इन पे भरोसा किया ना, ये 100% उतरे। बट जितने भी सिगरेट है ना भाई, वो सारे के सारे 80% बोलो, बट ये निंजा सिगरेट में मैं बहुत ज़्यादा ही भरोसा करता हूँ। एंड ये सिक्योरिटी ना, मेरे खुद सिक्योरिटी को यहाँ पर कौन सी भी सिक्योरिटी होने दो, सिक्योरिटी भाई यहाँ पर कहीं गड़बड़ हो रही है मेरे से। बट कोई बात नहीं यार भाई। चलो यार, यहाँ पे ना डगन बॉस को हमने लटका के रखा भाई। मतलब साला जब से आया मुंह तक नहीं खोल रहा है। इसकी भाई पिटाई हम लोग कर रहे हैं, बट इसको ना भाई ये कुछ बोल नहीं रहा है। इसको लपटा के रखा है साले। जल्दी से बोल, क्यों प्लानिंग है तेरी? एंड भाई तेरा ना सारा का सारा पैसे किधर है? एंड बोल तेरे आगे की प्लानिंग क्या है, और मार्टिन की प्लानिंग क्या है? जल्दी से बोल, वरना भाई तेरा डंडे से निकाल के ना भाई मार देंगे। तो यार अभी फटाफट इसको मैं मार रहा हूँ। ये अपना मुंह तो खोल नहीं रहा वैसे, इसकी बैंड तो बजानी पड़ेगी। बट चलो यार, इसकी बैंड बजाता हूँ यार साले की ना भाई। इसके आगे के प्लान क्या है, इसका प्लान क्या था? और तू बताइए, अपना मुंह नहीं खोल रहा है, इससे ना फटाफट इसको मार देता हूँ। एंड इसकी बैंड बजानी पड़ेगी, अपना मुँह खोल नहीं रहा है इस, पता नहीं क्यों। ये डगन बॉस की जैसे हरकत तो नहीं कर रहा है। डगन बॉस जब फ़ोन पर बात करता है ना भाई, इतने एटीट्यूड पर बात करता है ना। बट ये देखो, मतलब चूहा बन गया है बिल्कुल। मतलब भाई क्या ही बोलूँ। साले नीचे उतरना, नीचे उतारता हूँ साले को। रुक जाओ, फिर ना इसकी बैंड बजाता हूँ, फिर इसके बताता हूँ कि यार माइकल है कौन भाई। ये डगन डगन ना, एक सेकंड, सॉरी यार, सॉरी रेड निंजा भाई। हर बारी में जब भी किसी को मारता हूँ ना, मेरे बंदे को लग ही जाता है। पिछले वीडियो में बेनी को मार दिया, एंड पिछले वीडियो में भाई बहुत सारे अपने बंदों को भुक्के मार दिया गलती से। सो यार चल बेटा, तू भी निकल अभी ना यार, इसको बैंड बजानी पड़ेगी साले। मतलब तेरी हिम्मत कैसी हो रही है भाई? मतलब प्लानिंग कर रहा है भाई, क्या क्या प्लानिंग कर रहा है मेरे को मारने के लिए? वैसे भी सारे मैंशन तो इसी के यार, हमको अभी खुद का मैंशन खरीदना पड़ेगा। बट गाइस, हम गलती तो हमारी है, बट दुश्मन तो ये हमारा है। प्लेबे मैंशन एंड ना भाई मेले भी मैंशन सब इसी के। बट भाई फिर भी मैं उसको मार रहा हूँ, क्योंकि अपन भाई यार दुश्मन दुश्मन होता है। दुश्मन का कब्जा कर लिया तो अपना हो गया। बट इसकी फिर भी इसको मैं आगे की प्लानिंग पूछ रहा हूँ। साला नीचे गिर गया। चल बेटा, इसको ना भाई मारता हूँ, एंड इसको फटाफट से पूछ तो इतना मारूंगा इसके, फाइनली ये मुंह खोलता है कि नहीं देखते यार। इसको पिटाई करता हूँ साले की भाई, इतना मार रहा हूँ, मर ही नहीं रहा भाई। ऑल राइट गाइज, यहाँ पे ना इसको इतना मारने के बाद इसने फाइनली अपना मुंह खोल दिया है, और इसका आवाज बिल्कुल ही डगन बॉस जैसा नहीं है भाई। ये बोल रहा है कि ये देखो, मैं ना डगन बॉस वो नहीं हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ, मुझे बस पैसों के लिए करना था। उसने मेरी फैमिली को किडनैप कर दिया और बोला है कि देख तुझे पैसा मिलेगा, जब तू ये मेरा काम करेगा तो मैं तेरी फैमिली और तेरा पैसा वापस कर दूंगा। और ये जो मेरे मुंह पे लगाया ना, ये सारी की सारी भाई सर्जरी कराई है। मतलब प्लास्टिक सर्जरी से ना भाई, उसको जस्ट ये शो करना था कि देखो डगन बॉस मर चुका है, फिर माइकल फ्री होके सारी सिक्योरिटी हटा देगा, फिर अकेला घूमेगा पूरे लॉस सेंटर्स में, फिर जाके उस पर हमला कर देंगे। तो यार देखो, मैं बोला यार ठीक है यार, तू चला जा। मतलब ये बोल रहा है कि इसकी फैमिली को किडनैप कर लिया है, एंड ना इसको पैसा भी वापस नहीं दिया है, और ये कह रहा है कि इसके ऊपर ना फेस सर्जरी कराई है। एंड मैं जब ये सोचूंगा, मतलब मैंने सोचूंगा कि यार देखो डगन बॉस को मार दिया, फिर मैं ना अकेला घूमूंगा विदाउट सिक्योरिटी के, फिर ये मेरे पे हमला कर देंगे, ऐसा वैसा वगैरह कुछ प्लान है, पता नहीं यार। ठीक से इसने बोला नहीं। तो यार एक सेकेंड ना, इसको मैं बोला यार ठीक है तू चला जा, बट भाई ये बनता ना मेरे को गड़बड़ लग रही है। बट देखो, मैं तो रिक्स लेने वाला नहीं हूँ, ठीक है? दुश्मन दुश्मन होता है, फिर वो पैसों के लिए काम करो या किसी के लिए। तो यार मेरा दुश्मन दुश्मन है, तो फिर भाई देखो वो कोई भी हो, फिर देखो मैं इसका भी बैंड बजाने वाला हूँ भाई। तू भाग जा, बट सॉरी यार, देखो मेरे को मेरा काम करना है भाई, मेरे को रिक्स नहीं लेना। आगे जाके मुझे पता नहीं चलेगा ये डगन बॉस है या कौन है, तो मुझे उसकी बैंड बजानी पड़ेगी। चल गाइस, यहाँ पे 1 एंड 2, देखते मेरा निशाना कैसा है। 3, ऑल राइट ब्रो, यहाँ पे मेरा एम बिल्कुल ही सही निकला, और एक ही गोली में मैंने नीचे गिरा दिया यार। सॉरी यार, बट अब क्या बोलूँ गाइस। देखो, इसको मैं नहीं मारता तो आगे जाके मुझे क्या पता या डगन बॉस है या खून है, तो फिर यार गाइस प्रैंक हो जाता हमारे साथ, एंड बहुत कुछ हो जाता। बट चलो यार, इसको मार दिया। एंड बुरा लगा मेरे को इसकी स्टोरी सुन के, बता नहीं यार इसने ये स्क्रिप्ट राइटर से लिखी है या किससे लिखी है। मतलब भाई मेरा निशाना ना भाई बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया है।
यार चलो यार अभी इसको ना भाई ख़त्म करते हैं भाई। ये डंकन बॉस तो मर चुका है बट ये डुप्लीकेट है, मतलब फेस सर्जरी कराई। मैं वही बोलूँ यार इसका आवाज़ ना भाई मतलब इतना एटीट्यूड वाला है बट ये ऐसी क्यों बात कर रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, साले को मार के मज़ा आ गया। बट ऐसे हम लोग रियल डंकन बॉस को भी मार रहे हैं मुझे भाई। फेक वाले को तो मार दिया, अभी फेक वाले को ना मार दिया है, अभी रियल वाले को मारना है। तो यार अभी फटाफट से आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो डगन इंड लिख दो, पहला चेक पॉइंट है डगन इंड, ठीक है ना। तो मुझे पता चलेगा आप मेरे यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, फिर ना कहीं से आप लोग पूरी वीडियो वॉच नहीं करते हो एंड यार लोल हो जाता है, फिर आप बोलते हो ये क्या हो गया। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखो। सो यार चलो ना फटाफट से मैं निकलता हूँ मेरे थार में और लोकेशन के ऊपर निकलते हैं। मेरे जो आगे का काम है आपको बता दो, आगे हमारा क्या काम है? बहुत ज़्यादा एंड खतरनाक वाला काम है, मुझे प्रेसिडेंट ने बुलाया है, ठीक है। एंड वो बोल रहा है कि ऐसी सिक्योरिटी हमारे पास अवेलेबल हुई है जो कि किसी के पास नहीं है। भाई साहब ये कौन सी सिक्योरिटी है? वो बोल रहा है कि देखो लास्ट टाइम उसने मुझे ना एक प्राइवेट आइलैंड गिफ्ट किया था, ठीक है, और उस पे ना सोमाली पायरेट्स ने अटैक कर दिया जो कि प्रेसिडेंट के दुश्मन है। मतलब उसने मुझे वो गिफ्ट किया एंड प्रेसिडेंट समझ के, मतलब प्रेसिडेंट भी मेरे साथ था बट प्रेसिडेंट पे अटैक हुआ, मेरे पे हो गया। बट प्रेसिडेंट तो वहाँ से जा चुका था तो मेरे पे भी अटैक हो चुका है, मतलब उनकी दुश्मनी और मेरी दुश्मनी हो चुकी है। क्योंकि मैं डग प्रेसिडेंट को बचाने के चक्कर में ना भाई सोमाली पायरेट्स जो है समुद्री लुटेरे उनसे मेरी दुश्मनी हो चुकी है। सो यार चलो इसको मार के ना मेरे को इतनी ठंडक मिल रही है कसम से गाइस, इतनी ठंडक मिल रही है ना, मतलब डगन बॉस को मार रहे भाई। आप लोग को पता ये बंदा यार कितने लोगों को परेशान कर रहा है, मतलब क्या ही बोलूँ। तो यार चलो फटाफट से ना भाई अपनी लोकेशन पे निकलते हैं और देखते आगे का क्या सीन है गाइस, क्या नहीं है। चलो फटाफट से भाई निकलते। तो यार चलो फटाफट से ना हम लोग निकलते हैं भाई प्रेसिडेंट की ओर, क्योंकि यार प्रेसिडेंट हमारा वेट कर रहे हैं वहाँ पे ना, हमें स्पीच भी करनी है। वो बोल रहे हैं कि देखो तुम्हें स्पीच जरा भाषण भी करना पड़ेगा। एक सेकंड, यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ क्यों आ रही है भाई? यहाँ पर मेरे हेलीकॉप्टर्स, यहाँ पर मेरे NLC के सिक्योरिटी तो नहीं आ गए ना, क्योंकि मैं तो इधर अकेला आया हूँ। एक सेकंड, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे गाइस, यहाँ पर मुझे हेलीकॉप्टर्स। एक सेकंड, ये ऊपर कौन आ गया भाई? भाई ये NSG के हेलीकॉप्टर तो नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे हेलीकॉप्टर अलग डिज़ाइन के हैं। यार ये लोग है कौन, ये क्या चल रहा है यार? एक सेकंड उतर के देखता हूँ ये लोग। भाई मेरे को गन निकालनी पड़ेगी यार, ये बिल्कुल भी मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। एक सेकंड, ये लोग भाई ये कई मार्टिन के लोग तो नहीं ना? और भाई मिसाइल छोड़ दिया भाई इसकी भैंस की यार। भाई फटाफट से निकलना पड़ेगा ये पक्का ना भाई। भाई मार्टिन के बंदे हैं, इन्हें पता कैसे चला मेरा सीक्रेट बनकर यहाँ पे? भाई इन्हें पता कैसे चला कि मेरा सीक्रेट बनकर यहाँ पर है भाई ये? एक सेकंड गाइस, जब मैंने ये फेक वाले डगन बॉस को पकड़ के लाया ना इधर, उसका फ़ोन तो हमने फेंकना ही भूल गए यार। ये तो गड़बड़ हो गई, यही उसका प्लान था क्या भाई साहब? ओ भाई 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 गाइस ये भाई पूरा मैं जो भी उसको पकड़ा ना वो उसका प्लान का हिस्सा था। मतलब उनका वही प्लान है कि यार माइकल का हम लोग ना सीक्रेट बन करके लोकेशन पता करें एंड ना मेरे पे अटैक कर देंगे। यार ये प्लान, मतलब जब से मैं उसके गेम का पार्ट में हिस्सा था, मतलब वो जो चाहता था मैं वही कर रहा था भाई। भाई इतना बड़ा मास्टरमाइंड गाइस, लेस्टर का भी दिमाग इतना नहीं है यार। अभी फटाफट से इनको भाई निकलना पड़ेगा जब तक इनको भी मेरे लोकेशन पता चल गई है। सो यार अभी फटाफट से इनका भाई काम ख़त्म करना पड़ेगा। अभी मेरे NLC सिक्योरिटी को मैं यहाँ पे बुला नहीं सकता, वो बहुत दूर है एंड यहाँ पे मेरे निंजा सिक्योरिटी के कुछ बेस पे बंदे होंगे। बट यार ये जो बंदा है ना यार मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। अभी ये देखो, चल बेटा अभी एक को तो मैं ले ही लूँगा भाई। मैं अगर नीचे उतरूँगा ना ये सारे के सारे मेरे पे मिसाइल छोड़ देंगे। मेरे पास RPG तो है बट अगर मैं उतर आना भाई मेरा मरना तय है भाई। इनके पास देख रहे हो भाई मिसाइल छोड़ रहा है भाई ये। यार अभी फटाफट से इधर से गाइस निकलना पड़ेगा कैसे भी करके, फिर मैं थोड़ी सेफ जगह जाता हूँ। फिर ना भाई निंजा सिक्योरिटी को यहाँ पे बुला लेता हूँ, क्योंकि निंजा सिक्योरिटी मेरे सीक्रेट बेस पे अवेलेबल है। सो यार फटाफट से ना मुझे बचना पड़ेगा यहाँ पे। यार ये जो बंदा है ना कसम से भाई मैं इसका क्या बोलूँ, इसका फ़ैन हो चुका हूँ। मतलब इसका माइंड है ना भाई साहब, ये भाई बिल्कुल ही गाइस खतरनाक दिमाग है। मतलब वो जब मेरे पे अटैक करता है मतलब मेरे से हर एक
एक कदम आके चल रहा है, देख रहे हो। मतलब जो उसका फोन मेरे बनकर तक आना है वही उसका प्लान था भाई साहब। लोल यार गाइस, क्या दिमाग है बंदे का। मतलब ये जो फेक सर्जरी कराई भाई, सब कुछ ये बस एक लोकेशन पाने के लिए किया उसने। और मेरे यहाँ पे देख रहे हो मेरी गाड़ी भी जो है ना यार, मैं इतना वो हो चुका अभी, मेरी फट पड़ी है अभी यार। वैसे मैं उतरूँगा तो मैं मर जाऊँगा, क्योंकि उनके पास RPG है और अभी मेरे को मरना नहीं है। तो यार अभी मुझे कहीं एक सेफ जगह जानी पड़ेगी, फिर ना मैं उसकी बैंड बजाता हूँ। इनके पास टोटल 3 हेलीकॉप्टर है, वो भी RPG वाले। मैं उधर उतर आना भाई, छलनी हो जाऊँगा, बिल्कुल ही छलनी। एंड मेरे पास अभी वेस्ट भी नहीं है, क्योंकि हमने कल खतरनाक वाली फाइट की है। सो यार फटाफट से, ओ भाई देख रहे हो ट्रक को भी उड़ा दिया इन लोग ने, बिल्कुल ही भाई सारे के सारे ट्रक उड़ा दिए। फटाफट से मैं एक काम करते थे, उतरने की कोशिश करता हूँ, फिर ना एक सेफ जगह छूट जाता हूँ अगर मैं ऐसे चलता रहा ना। ये देखो भाई यहाँ पर, ये देखो भाई इंडियन कार है जो भाई ये फट नहीं रही भाई। महिंद्रा OP यार, ये महिंद्रा ब्रांड है क्या भाई, क्या है गाइस भाई। मिसाइल से कुछ नहीं हुआ भाई उसको भाई। महिंद्रा थार तो बहुत पावरफुल है यार, मतलब इसको तो हमने मॉडिफिकेशन भी नहीं करवाई। सो यार फटाफट से इधर मैं छूट जाता हूँ, मुझे लगता नहीं इधर कुछ हो पाएगा। तो फटाफट से ना मुझे निंजा सिक्योरिटी को कॉल करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा मैं दूर तो आ चुका हूँ बेस के, जो सिक्योरिटी बेस है ना थोड़ा दूर आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे ना रिस्क नहीं चाहिए भाई। ऐसा ना कि वो मेरे से फाइट करे, मैं सारी सिक्योरिटी बुला लूँ, फिर वो जाके मेरा सारा सोना लूट लेंगे। तो फटाफट से मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। ऑल राइट भाई लोग, यहाँ पे ना हमने कॉल कर दिया है। और गाइस वो किसी भी समय आते होंगे यार, वो कह रहे हैं कि हम लोग देखो हम लोग आ रहे हैं, तुम टेंशन मत लो यार। चलो अभी निंजा सिक्योरिटी को मैंने बुला लिया। NSG तो बहुत दूर है भाई, NSG बुलाऊंगा जब तक तो भाई मैं बचूंगा भी नहीं। साले को RPG उड़ा दूँ, अभी मेरे को बस मौका तो मिला यार। ये देखो मैं यही बोल रहा था आप लोग को, अभी एक ही हेलीकॉप्टर इतना मार रहा है, 3 कितने मारेंगे भाई। एक सेकंड, इनके लोग नीचे भी उतर चुके हैं यार। ये तो मुझे पानी में जाना पड़ेगा, वरना भाई मैं मर जाऊंगा भाई। फटाफट से भाई देख रहा हूँ कितना खून निकल रहा है यार। यार अभी ना फटाफट से यार बचना पड़ेगा कैसे भी करके भाई, वरना ये पानी के अंदर तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि इनका जो पानी में ना भाई बुलेट्स की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। देखो अभी भी मार रहे हैं यार। यार अभी ना कैसे भी करके यार, निंजा सिक्योरिटी कब आएगी यार, आज क्या हो रहा है। सिक्योरिटी बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी क्यों, मतलब कुछ भी निकल रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक सेकंड अभी ब्लास्ट हो जाएगा भाई ये। क्या यार गाइस भाई, लोल हो रहा है कदम से भाई, मैं बच रहा हूँ भाई। चलो यार बिना भाई इनकी हटा दूंगा, मेरे पास बढ़िया वाली वेस्ट है, वरना भाई आज तो मर जाता। ये देख रहा हूँ मिसाइल आ रहा है एंड ना भाई, अभी एक सेकंड, तू तो भाई गया भाई, भाई मिसाइल छोड़ रहे भाई बिल्कुल ही, देख रहे हो। चल भाई ये गया फाइनली यार, एक तो भाई निपटा ही दिया भाई, क्या ही मार रहे ना कसम से यार, निपटा ही दिया एक को। चलो फटाफट से अभी ना इनको थोड़ा सा घुमाता हूँ इधर उधर, फिर पता चलेगा इनकी भाई। इनको दिखाता हूँ यार, माइकल है कौन, इनको लग रहा है माइकल सिर्फ सिक्योरिटी के बिना जिंदा है यार। ये देखो भाई फिर से यहाँ पे गैस का टैंक फोड़ दिया, इनको लग रहा है गाइस। एक सेकंड साला तू भी ले भाई, ये देख रहे हो एक मिसाइल में तो फूट ही नहीं रहा भाई इनका। भाई क्या भाई बच कैसे रहा है, डॉज देखो कैसे किया उसने भाई। ये देखो यार मेरा एम भी ऐसा है ना आजकल भाई, क्या बोलूँ। चल भाई तू भी ले ले, एक सेकंड यार। ये छपरी लोग फिर से आ गए यार, तुम लोग ना कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा भाई, तुम लोगों का कुछ नहीं होगा भाई मेरे सामने भाई, तुमको मरना है। माफिया होता है भाई। चलो भाई मैं अकेला बंदा इनको इतना मार रहा हूँ, अगर मेरी सिक्योरिटी इधर आ गई ना भाई, इनको भाई मतलब कुत्ता बना के मारेंगे। चल भाई तू भी ले, और ये देखो भाई इतना बड़ा ना मेरे ऊपर आ रहा भाई, बच गया भाई, वरना भाई कसम से भाई आज तो भाई दब के मर जाता, वरना मोए वाला सीन हो जाता आज। चल भाई तू भी ले ले भाई, निंजा सिक्योरिटी जल्दी से आ जा यार, अभी फट रही है भाई, जल्दी से आ जा, अभी टाइम भी नहीं है मेरे पास यार। निंजा सिक्योरिटी का मैं वेट कर रहा हूँ, अभी तक आई नहीं यार, अभी इतने नज़दीक तो है भाई, यहाँ पे ही तो मेरा बनकर है। अभी मुझे ना कैसे भी करके नया बनकर ढूंढना पड़ेगा, फिर सारा का सारा सोना ना भाई चोरी हो सकता है। पहले मेरा जो मेली भी मेंशन है उस पर हमला होने का 100% चांसेस है। एयर स्ट्राइक तो नहीं होगा, सारे का सारा मैंने एयर डिफेंस लगवा रखा है, बट कोई बात नहीं यार। एक सेकंड यहाँ पे इसको मार दूँ, निपटा लूँ इसको, और कोई है क्या इधर। चल भाई भाई निंजा सिक्योरिटी आती होगी, यहाँ पे हमको वेट करना है। और एक सेकंड भाई आ जाओ, जल्दी से आ जाओ यार फटाफट से भाई, मैं ना कब से फाइट करो, लगभग गाइस 10 मिनट हो चुका है, आई थिंक 10 या 15 मिनट पता नहीं, बट चलो यार अभी फटाफट से ना इनको निपटा दूँ। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करो यार, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना ना भूले, और सारे के सारे बंदे लिख दो अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो। सो भाई इधर लिख दो आप लोग, क्या लिखोगे भाई फटाफट से ना आप लोग लिख दो गाइस, यहाँ पे मार्टिन लिख दो बस, मुझे समझ आ जाएगा आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो। मार्टिन MRITIN मार्टिन लिख देना, फिर मुझे समझ आएगा आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो।
एंड चलो भाई इनको निपटा देता हूँ एंड फटाफट से ना गाइस। चलो भाई तू भी ले ले। और गाइस कोई है क्या भाई? निंजा सिक्योरिटी कब आएंगे यार, मुझे पता नहीं चल रहा है यार गाइस, कितना टाइम हो चुका है अभी यार। अभी मुझे ना कुछ करना पड़ेगा यार, निंजा सिक्योरिटी जब तक नहीं आएंगे मुझे कैसे भी करके यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा। अभी उसको मैंने बता दिया गाइस, वो भी फट रही है, मतलब वो भी गाइस उनको मैंने क्या बोलूँ, मतलब उनको लोकेशन पता चल गई भाई मेरे सिक्योरिटी बनकर के यार। मतलब वो सिक्योरिटी बनकर, अब सिक्योरिटी बनकर नहीं रहा वो, पब्लिक बनकर हो चुका है। बट अब क्या करें, अभी सारा का सारा सोना ना आपको निधर से ले जाना पड़ेगा, वरना वो सिक्योरिटी बनकर अब पब्लिक हो चुका है। एक सेकंड यहाँ पे लग रहा है मुझे। चलो यार फाइनली निंजा सिक्योरिटी आ चुके हैं यार गाइस, थोड़ी भाई सांस में सांस आई, जान में जान आई। एंड ना भाई निंजा सिक्योरिटी इधर आ चुकी है और मैं इनके पीछे से बैंड बजाता हूँ। सालो ये लोग, तुम बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए, बट चलो कोई बात नहीं भाई। इसके पास इतना बजट आया कैसे, इतनी सारी सिक्योरिटी कैसे हायर कर ली इसने यार? ये जो क्रूजर का भाई मार्टिन है ना भाई, इसके पास भाई देख रहे हो मतलब कितना पैसा है भाई। हाँ ये बंदा YCT से है एंड इसकी ना भाई बैंड बजानी पड़ेगी। अभी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ टॉमी यूनिवर्सिटी से पूछ के, और मुझे अभी YCT जाना पड़ेगा एंड ना भाई इस बंदे का गेम ओवर करना पड़ेगा। ये बंदा बिल्कुल रहता है गाइस कहाँ पर, YCT में, और आता है लॉस सैंटोस में एंड पता नहीं यार मुझे मारने के लिए, क्योंकि उसको उसके भाई का बदला लेना है, क्योंकि उसके भाई को मैंने कुत्ते की मौत मारा था, आपने देखा होगा भाई। उसके ऊपर मैंने बिल्कुल ही भाई 5 मिसाइल छोड़ दिए, उसके चूरा चूरा कर दिया उसको। आपने जाके देखा नहीं तो जाके देख लेना, उसका भाई एक कमांडो था, मतलब इतनी खतरनाक बॉडी ना आपने देखा होगा, इसकी भी बॉडी खतरनाक है भाई। चलो भाई तू भी ले ले इसके भाई, ये देख रहे हो कितने बंदे भाई सिक्योरिट बनकर पे भाई, कोई आई क्या नहीं? अरे निंजा भाई है भाई, ये मतलब बोल रहा है ना भाई, देखो सिक्योरिट बनकर पे भी सारी इन्फॉर्मेशन वो लगा दिए। सो यार चलो यार कोई बात नहीं, वहाँ पे भी सिक्योरिटी लगी हुई है एंड, बट चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ की सारी सिचुएशन कंट्रोल कर रहे हैं। और कोई है क्या भाई? इतनी लंबी फाइट चल रही ना यार कसम से यार गाइस, ये जो बंदा है ना अभी इसका गेम ओवर करना पड़ेगा YCT जाकर, एंड ये बंदा YCT में भाई बैंड बजानी पड़ेगी अभी इसकी। बट चलो कोई बात नहीं, YCT में कहाँ रहता है किधर नहीं रहता अभी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे हम लोग। सो चलो अभी ना यार फटाफट से, और गाइस कोई है क्या इधर भाई? और भी लोग है क्या भाई? भाई फटाफट से मार दो यार इनको भाई, छपरियों को जल्दी से गेम ओवर करो भाई, ये बंदे का दिमाग ख़राब हो चुका है बिल्कुल ही, मतलब क्या ये मेरे। एक सेकंड, और कोई है क्या? और कोई नज़र नहीं आ रहा है, चल ठीक है ठीक है। और भी कोई है क्या? रेड निंजा कहाँ पर गया भाई? रेड निंजा मेरे को दिख नहीं रहा, वो उसको मैंने बोला है तू खुद आ जा, बट वो नहीं लग रहा है। ये देखो ऊपर भी है भाई, ऊपर भी आ रहे चुके भाई, देख रहा ट्रेन भी इनके ऊपर से जा रही है, क्या ही किस्मत है भाई तुम लोग की। चलो कोई बात नहीं, एक सेकंड और भी है क्या? देखो यार इसको मेरे को मारने से पहले ख़त्म कर दिया भाई साहब, कितने लोग हैं यार। चलो सालो बैंड ओवर हो चुकी तुम्हारी भाई, निंजा सिक्योरिटी से भिड़ोगे भाई? इनको लोकेशन पता चल गया अभी ना मुझे यार, बहुत सारी सिक्योरिटी भाई परचेस करनी पड़ेगी। अभी मेरी NSG की भी कल ना 10 लोग मारे मतलब मर चुके हैं भाई। SPG के साथ मैंने फाइट किया, और जो SPG के बंदे ना भाई वो भी बहुत तगड़े हैं, बट हमने उनको मार गिराया। एंड भाई साहब चलो यार रेड निंजा भाई तू कहाँ जा रहा है? और भी है क्या कोई? रेड निंजा की यार आके ना भाई ज़्यादा ही तेज़ी देख रहे हो, मतलब मुझे तो पता भी नहीं चला। तो यार यही होता है रेड निंजा, मतलब निंजा की खासियत। इस बंदे ने मुझे अभी तक अपना नाम भी नहीं पता किया है, ना ही उसकी लोकेशन मुझे पता, ये रेड निंजा है कौन? बस हमने ये सिक्योरिटी बाय की है सीक्रेट एजेंसी एंड वगैरह वगैरह, इसका चेहरा नाम मुझे कुछ नहीं पता, ना ही इसका बैंक पता, ये सिर्फ पैसा लेता है कैश में। बट चलो यार ये कह रहा है कि देखो अभी सब ना यहाँ पे क्लियर है, हाँ वो तो मेरे को दिख रहा है। तो यार अभी ना चल तू मेरे साथ चल फटाफट से, अभी ना मेरे को रिस्क नहीं लेना है। एंड भाई चल मेरे साथ तू भाई, जो प्रेसिडेंट है ना वहाँ पे मुझे स्पीच देनी है, क्योंकि मैंने प्रेसिडेंट की जान बचाई थी। तो यार वहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है, शो चल रहा है, वहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही लोग आए हुए, पूरा लॉस सैंटोस के बड़े बड़े लोग आए, तो वहाँ पर जाके मुझे एक भाषण देना है एंड वहाँ पे मुझे बताना है कि मैंने कैसे कैसे ना प्रेसिडेंट की जान बचाई टेररिस्ट, मतलब जो भी है ना। ये देखो भाई, ये देखो पुलिस पकड़ रही इस वाली गाड़ी को, लग रहा है कुछ चोरी का माल लेके जा रहे हैं। चल भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई, भाई रुक नहीं रहा भाई, पुलिस भाई इसको पकड़ रही है। अरे भाई एक इसकी भैंस की आग भाई, ये क्या चल रहा है? लॉस सैंटोस में इतना क्राइम हो गया ना भाई, भाई मैं माफिया मैं हूँ एंड मैं खुद बोल रहा हूँ इतने क्राइम हो चुके हैं यार ये तो। भाई थोड़ी सी अजीब बात है, बट यार इतना क्राइम हो रहा है ना भाई, मैं खुद इतना ज़्यादा हो रहा है अभी क्या ही बोलूँ, अपन खुद इतने बड़े माफिया है। बट अभी मैंने प्रेसिडेंट की जान बचाई, बट वो एक गाइस गलत फैमिली हो चुकी है, क्योंकि उनको लग रहा है मैंने उसकी जान बचाई। बट देखो वहाँ एयरपोर्ट पर मैं भी था ठीक है ना,
बट वहाँ पे सब लोग मारे जा रहे थे क्योंकि वो सोमाली पायरेट्स ने ना भाई वो सबको ही मार रहे थे, बट मेरे को जिंदा रहना था। फिर मैंने भाई क्या हाई टेक फोन था मेरे पास, सबको मार दिया एंड भाई प्रेसिडेंट की भी जान बचा ली एंड भाई मेरा नाम भी बन गया एंड लॉस सेंटर्स में भाई सारे न्यूज़ वाले मेरे घर पे आ गए थे। आपने अगर नहीं देखा है वीडियो तो देख लेना। तो चलो यार मेरी थार तो यहाँ पे खड़ी है, तो दूसरी कार क्यों चलाए भाई। तो चलो फटाफट से जाते हैं एंड वहाँ पे एक बढ़िया सा स्पीच देते हैं एंड फिर से ना थोड़ा सा हम लोग पॉलिटिशियन पार्टी में घुस जाएंगे। क्या पता हमको वहाँ पे एक बढ़िया सी जगह मिल जाए और क्या पता हम लोग आगे जाके प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। भाई मुझे तो लग रहा है मैं प्रेसिडेंट बन गया ना भाई, कसम से भाई लॉस सैंटोस की भाई मतलब पूरा का पूरा मैं लॉस सैंटोस भाई क्या करूँगा, मतलब अभी समझ ही सकते हो भाई माइकल माइकल है यार, अभी अच्छा बंदा तो बनने वाला है नहीं। सो चलो कोई बात नहीं, अभी यार हम लोग ना अभी फटाफट से निकलते प्रेसिडेंट की ओर एंड वहाँ पे बढ़िया सा भाषण देते हैं। ऑलराइट भाई लोग फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट की लोकेशन पे जहाँ पे उसने हमें बुलाया है। सो यार भाई यहाँ पर तो भाई ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही पब्लिक आई हुई है, बट चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे ना भाई साहब हमें इधर स्पीच देनी है यार, कसम से इतनी ज़्यादा पब्लिक भाई यहाँ पर मुझे देखने के लिए आई है या प्रेसिडेंट को भाई। यहाँ पे सिक्योरिटी ना भाई फुल लगी हुई है, यहाँ पर देख रहे हो ये पुलिस की कार देख रहे हो एंड गाइस खतरनाक वाला है। अभी यहाँ पर लग रहा है प्रेसिडेंट ना स्पीच दे रहा है अपनी। यार ये जो देख रहे हो मतलब मैंने सोचा नहीं था मैं इतने आगे तक आ जाऊँगा, मतलब गाइस मुझे यकीन नहीं हो रहा अभी मुझे इतने सारे लोगों के सामने ना स्पीच देनी है, मैंने कैसे ना प्रेसिडेंट की जान बचाई कुछ मतलब खतरनाक वाले हमले से एंड अभी भी जिंदा है, वरना ये अभी जिंदा नहीं होता मैं अगर वहाँ पे एयरपोर्ट पे नहीं होता ना। सो यार गाइस मज़ा ही आ चुका है एंड अभी ना मुझे इतनी ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही ना प्रेसिडेंट की तरफ से, मतलब एक वीला गिफ्ट मिला है एंड एक कार गिफ्ट मिली है वो भी रोल्स रॉयस वाली एंड अभी ना मुझे एक ये कह रहा है कि एक खतरनाक वाली सिक्योरिटी है जो कि ना मैं आपको आगे जाके बताऊंगा एंड फिर वो ऐसी सिक्योरिटी है एक ही बंदा पूरे 100 बंदों को मार सकता है एंड उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, मतलब ये ऐसी कौन सी सिक्योरिटी है जो 100 लोग को मार सके। यार यहाँ पे देख रहे हो ज़्यादा ही लोग हैं, मतलब इतने ज़्यादा लोग हैं ना, अब इनके सामने मुझे स्पीच देनी है, कैमरा मैन एंड ड्रोन कैमरा एंड वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। सो यार चलो फटाफट से ना अभी मैं स्पीच देता हूँ एंड ये मुझे रास्ता दे नहीं रहा यार, जाने का रास्ता काय सरची मैं माइकल हूँ, हेलो कोई है क्या इधर। यार ये तो कोई सुन ही नहीं रहा, लग रहा है इनको लग रहा है मेरा चेहरा देख के यकीन नहीं आ रहा कि मैंने प्रेसिडेंट की जान बचाई। यार लग रहा है ना मुझे जाना पड़ेगा अभी प्रेसिडेंट, ओए देख ले मुझे, प्रेसिडेंट भी देख नहीं रहा, वो भी अपने भाषण में भाई पता नहीं क्या क्या फेंक रहा है, उसी का कुछ चल रहा है, अभी बोल रहा है कि मुझे वोट करो, आगे जाके आपको भाई बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, पता नहीं क्या क्या मिलेंगे भाई, वादे कर रहा है पैसे देने के, बट चलो ठीक है यार भाई मिल जाएंगे पैसे। और चलो फटाफट से इधर से मैं चार्ज ज़्यादा एक काम करता हूँ, यहाँ पर तो मुझे ऐसे खड़ा रहना भाई साल लग जाएंगे, तो एक काम करता हूँ मैं इधर से चले जाता हूँ। साला भैंस किया रास्ता ही नहीं दे रहा है, पूरा पैक करके बैठे, कोई इज्जत इज्जत है कि नहीं भाई, तुम्हारे प्रेसिडेंट को बचाया भाई मैंने। सो चलो यार फटाफट से ना भाई, और भाई इतने ज़्यादा पुलिस वाले खड़े हैं, आर्मी वाले एंड इसका पर्सनल मैनेजर भी खड़े हैं। भाई मैं आ चुका हूँ, मैनेजर बोल रहा है पीछे खड़े हो जाओ भाई, इज्जत इज्जत दे यार थोड़ी सी भाई, तू खुद भाग चुका है भाई हमले के टाइम पे, भाई मैंने जान बचाई इसकी। चल यार निंजा तू भी आ जा भाई, तू भी मेरा दोस्त है, तू भी इधर ही खड़े रहेगा, तेरे को बोलना ना कोई। सो यार भाई अभी ये देखो अभी भाषण कर रहा है, अभी भी चल ही रहा है इसका भाषण, अभी ये देख तो मेरी बारी कब आती है एंड मैं भी थोड़ा सा कुछ इधर बोल दूंगा, पता नहीं क्या बोलूँ। अभी मैं यही बोलने वाला हूँ कि देखो यार मैंने जान बचाई, ये मेरा फर्स्ट था एंड भाई और क्या ये मेरा प्रेसिडेंट है, तो भाई प्रेसिडेंट की रेस्पेक्ट करता हूँ मैं, और ऐसा कुछ बोल दूंगा यार। अभी इसका भाषण ख़त्म हो जब मैं बोलूँगा ना, इसके टाइम पर देखो कैमरा मैन वाले आ चुके हैं एंड ड्रोन कैमरा भी है भाई। चलो भाई प्रेसिडेंट बोल रहे हैं आप, अब कुछ बोलो एंड आपने मेरी जान बचाई है एंड आप लोग सारी पब्लिक को बोलो आपने मेरी जान कैसे बचाई है। देखो यार मेरी जान ना, देखो मेरी जान मतलब प्रेसिडेंट की जान, ठीक है ना, तो मैं प्रेसिडेंट के बहुत फ़ैन हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ये इतने बड़े बड़े काम करते ना मतलब क्या ही बोलूँ, और इन्होंने मेरी मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प की लॉस सेंटर्स में, इतनी ज़्यादा इनको वोट करना प्लीज़, और मैंने इनकी जान बचाई क्योंकि यार मेरा ये फ़र्ज़ था, और बस क्या यार आप भी आपका भी फ़र्ज़ है अपने प्रेसिडेंट को बचाओ एंड अपना देश का नाम आगे करो। यार मेरा तो हो गया भाई, चलो यार अभी इसने जो बोला था मैंने वो बोल दिया, वोट करने का वो भी बोल दिया यार, वो कह रहे हैं कि देखो इतना बोल देना मतलब इसने कुछ किया तो नहीं है, बट फिर भी बोल रहा है कि देखो मेरा नाम लो भाई, देख रहो ये ऐसे होते गए इस पॉलिटिशियन, ठीक है ना। अब हम लोग जाते इधर से क्योंकि यार ये देखो ज़्यादा ही सीन हो रहा है,
एंड ये कह रहा है कि देखो मैं आपको मिलता थोड़ा सा भाषण और छाटता हूँ, मतलब और पब्लिक को मतलब उल्लू बनाता हूँ। चलो ठीक है भाई, अभी इसको बनाने दो, अभी ना आगे जाके समझ आएगा। इसका भाई कार्यक्रम करना पड़ेगा, इसकी हमको कुर्सी लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेसिडेंट मुझे बनना है अब। क्योंकि ना यार ये जो हो रहा है ना भाई, ये बहुत गलत हो रहा है। मतलब मुझे स्क्रिप्ट दे रहा है, मतलब भाई इसका मैनेजर बोल रहा है मुझे कि भाई ऐसा ऐसा बोलना भाई, मतलब प्रेसिडेंट की तारीफ करना थोड़ी सी, मतलब थोड़ा डरपोक नहीं दिखना चाहिए वो भाई। यार ये क्या भाई, मैंने तो बोल दिया भाई जो मन में आया वो बोल दिया। वो कह रहा था भाई ऐसे बोलना, देखो प्रेसिडेंट भी फाइट कर रहा था भाई खतरनाक वाली, मतलब दोनों मिलकर फाइट कर रहे थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो भाई। वो फट्टू ना भाई, उसको एक दो गोली लगी थी पैर पे, वो भाई वो मरने आया था, बट चलो मैंने उसकी जान बचा ली भाई। मतलब हीरो बना रहे प्रेसिडेंट को भाई, मैंने जान बचाई उसकी। बट चलो कोई ना, अभी वेट करना पड़ेगा, वो देखते हैं कब तक आता है। एंड वो कह रहा है कि देखो तुम्हें एक खतरनाक वाला गिफ्ट मैं देने वाला हूँ, जो कि बढ़िया वाला काम है, जो कि यार गवर्नमेंट का पैसा है, इसका कुछ भी नहीं भाई, ठीक है ना भाई, सब कुछ गवर्नमेंट का है, ठीक है। सो यार चलो भाई, आप देख रहे हो इतने ज़्यादा लोग के कार्स खड़े ना भाई, भाई मज़ा ही आ गया। एक कार चोरी करके ले जाओ ना भाई, चलो कोई बात नहीं, अभी अपना खुद शोरूम हो चुका है। ऑल राइट भाई, चलो यार इधर ना, लगता है भाषण हो चुका है, लगता है वो आ चुका है। और ठीक है भाई, चलो इसके कार भी इसके गार्ड्स ने निकाल दिया है। एंड चलो यार प्रेसिडेंट, आप रेडियो कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे कौन सी सिक्योरिटी दे रहे हो यार, ऐसी कौन सी सिक्योरिटी है? वो कह रहा है कि आगे जाके मैं आपको रास्ते में दिखाता हूँ ऐसी कौन सी सिक्योरिटी है। एंड मतलब 100 लोग को मारने का दम रखती है भाई, मतलब 100 लोग को यार। चलो यार भाई पीछे बैठेंगे गाइस, ठीक है, मतलब रॉयल वाले बन चुके हैं अभी हम, समझ रहे हो भाई, फुल रेस्पेक्ट है अपनी लॉस एंडोस में। अभी हमको, अब मैं क्या ही बोलूँ, अभी मुझे मास्क लगा के काम करने पड़ेंगे, ठीक है ना, अब मेरे को मास्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अपनी लॉस एंजेलिस में इतनी इज्जत बढ़ गई ना भाई साहब, मतलब अपने मेंशन के आगे लोग फोटो वेटो खींच रहे हैं, एंड न्यूज़ वाले आ रहे हैं मेरा मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। सो यार क्या ही बोले तो यार, देख रहा अभी ये, अभी देखो अभी आगे क्या हो गया, मतलब रेड लाइट पे हम लोग रुके हुए हैं, समझ, सीरियसली मतलब माफी है माइकल, पहली बार ही रुकाऊंगा कहीं रेड लाइट के नीचे, अभी प्रेसिडेंट की गाड़ी है ना, तो यार अभी रूल्स फॉलो ही करने पड़ेंगे, वरना अगर यही बंदा रूल फॉलो नहीं करेगा तो फिर यार पब्लिक मतलब घंटा करेगी। सो यार ये देख रहे हो, ये बैठा है मेरे बाजू, ठीक है भाई, चलो यार अभी लग रहा है ना भाई शरीफों वाली ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, बट कोई ना, आगे जाके हम लोग कुछ करेंगे। एंड मतलब ऐसे नहीं कि भाई शरीफ बन जाएंगे भाई, मास्क पहन के भाई काम करेंगे, खतरनाक वाले, लीगल वाले, इनलीगल भाई, सारे के सारे काम करेंगे तुम्हारा भाई, चोरी वगैरह करेंगे, एंड भाई हर चीज़ है, एंड डगन बॉस का गेम ओवर करेंगे, एंड जितने भी अपने दुश्मन है ना भाई लॉस एंजेलिस भाई, सबकी बैंड बजाएंगे। एंड मैं सोच रहा हूँ भाई इसी को लूट लूँ, बट चलो इसको लूट नहीं सकते हम लोग, आगे जाके लूटेंगे, इसकी सिक्योरिटी देखें, ऊपर हेलीकॉप्टर भाई सोल्जर्स बैठे हैं, एंड भाई हर चीज़ है। तो यार अभी ये पता नहीं यार, ये रेड लाइट कितने टाइम में होता है मुझे भी नहीं पता भाई, कितने मिनट होता है। प्रेसिडेंट कह रहा है देखो यार अभी हमें इतना तो वेट करना ही पड़ेगा भाई, यार ये रेड लाइट जब मैं रुका ना भाई, लग रहा है 1 साल बीत गया मैं रुका हूँ इधर मतलब भाई अपन कभी रुके ही नहीं है रेड लाइट पे यार, रेड लाइट होती क्या है मुझे तो पता भी नहीं है भाई। देख रहे कितनी सिक्योरिटी यार, ये इसको कहते हैं गाइस सिक्योरिटी, मतलब इसको कहते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है ना, मतलब आगे पीछे पीछे कार, एक हेलीकॉप्टर, एंड पूरे जगह हर जगह आपकी मतलब रिस्पेक्ट हो। सो यार चलो यार, पहले आपको लोकेशन पे मिलते हैं। ऑल राइट भाई लोग, यहाँ पे मुझे इसने सिक्योरिटी बेस पे लाग लिया, मुझे तो पता ही था ये सिक्योरिटी बेस पे लाएगा। एंड भाई इतना मतलब मुझे इसने इतना वेट करवाया ना, कसम से बताओ, इतने रेड लाइट आए, मतलब लगभग 1 घंटा लगा मैं इधर ट्रैवल करने को, पता नहीं हेलीकॉप्टर में ट्रैवल क्यों नहीं करता ये भाई, लंबी वाली कार दिखा के शो ऑफ करना चाहता है। चलो यार अभी पता चलेगा कौन सी वाली सिक्योरिटी, ये कह रहा है अगर तुमने ये वाली सिक्योरिटी देख ली ना, मतलब तुम लोग भूल ही जाओगे ये सिक्योरिटी, मतलब ये सिक्योरिटी है या कौन है भाई, यार ऐसी कौन सी सिक्योरिटी है गाइस। मुझे ना इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कसम से, मैं क्या ही बताऊँ। सो यार आप लोग बताना, आपने पहले बता दिया होगा या आपने क्या लग रहा है, वैसे तो चलो आपको पता ही चल गया होगा, पता नहीं अभी तक आपने थंबनेल देख ही लिया होगा तो आपको आई थिंक पता चल गया होगा, बट मुझे नहीं पता कौन सी वाली सिक्योरिटी है गाइस, क्योंकि मैं तो अभी बना रहा हूँ वीडियो। एंड लेट्स गो, चलो यार पीछे तो कार आ रही है, और 1 सेकंड भाई चलो फटाफट से चलते हैं भाई, इतनी खतरनाक कार चला रहा है ना इनके बंदे, मतलब फुल प्रोफेशनल तरीके से, देख रहे हो भाई क्या ही टर्न मार रहा है इनका बंदा, देख रहे हो भाई खतरनाक, अपन होते ना भाई बीच में वाली लाइन, इधर वाली लाइन क्रॉस, बट चलो यार फटाफट से देख लेते हैं कौन सी वाली सिक्योरिटी है। और भाई साहब 1 सेकंड मुझे दूर से ना कुछ
बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, मतलब कोई चीज़ नज़र आ रही है बड़े बड़े। एक सेकंड, यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ऐसा ना हो। भाई ये देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है क्या भाई? ये क्या चीज़ है? ये कौन सी वाली? ये रोबोट नज़र आ रहे हैं मुझे तो। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये रोबोट्स है ना। सो यार चलो, मैं तो इधर आ चुका हूँ। एंड प्रेसिडेंट कह रहा है कि देखो तुम आगे जाके देख लो यार, ये क्या सीन है, तुम बताओ ये क्या है। यार मैं अगर गलत नहीं हूँ, यार ये मुझे भाई रोबोट नज़र आ रहे हैं, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं ट्रांसफॉर्मर्स की तरह। बट ये मुझे ना भाई यही वाली सिक्योरिटी तो प्रोवाइड नहीं कर रहा है यार। अगर ये वाली सिक्योरिटी है ना, ये गाइस भाई साहब ये देखो गाइस, इसका वेपन्स देखो भाई। सो यार ये अभी मैं पूछता हूँ यार इसको कि यार यही वाली सिक्योरिटी तो नहीं है ये वाली। सो ये कह रहा है कि यस तुम सही हो, ये रोबोट वाली ये सिक्योरिटी है एंड ये चीप पे काम करती है, एंड तुम इसको कमांड दो ये तुम्हारा ही फोकस करेंगी एंड जो बोलेगी वही करेगी। बस का इसका जो चीप है ना वो तुम्हें उसे ध्यान रखना है एंड किसी को इसके आसपास जाने नहीं देना है। एंड ये हैक हो भी सकता है, पता नहीं यार गाइस, मुझे नहीं पता ये हैक होगा कि नहीं, बट ये चीप का नाम ले रहा है तो हैक तो होने वाली चीज़ है भाई। सो यार ये अगर AI सिक्योरिटी है ना गाइस, कसम से भाई फिर तो यार ये लॉस सैंटोस में किसी के पास भी मेरे को नज़र नहीं आ रही है भाई। अगर ये वाली सिक्योरिटी मेरे हाथ में आ गई ना भाई, क्रूज़र का भाई मार्टिन को मारने में भाई कुछ मिनट भी लगेंगे नहीं, कसम से बता रहा हूँ। ये जो नाम है ना, ये सिक्योरिटी का नाम, मतलब ये सिक्योरिटी बोलूँ या AI बोलूँ या रोबोट बोलूँ इसे, आप लोग बोलना चैट में मुझे। बट गाइस कसम से ये जो है ना भाई, मैं बता नहीं सकता, ये इतना कूल लग रहा है देखने में भाई, इतने कूल लग रहे हैं ना। अभी इनके टेस्टिंग में इनको बोलता हूँ, इनका टेस्टिंग भी कराओ यार। ये कुछ करते हैं या सिर्फ खड़े थे? चलते कैसे यार? ये इनका पैर तो है बट ये चलेगा कैसे? कर्नल भी आ चुका है इधर, एंड कर्नल साहब यार कुछ बताओ, इन्हें टेस्टिंग वेस्टिंग करवा के बताओ यार, ये चलते कैसे, कमांड इनको देते कैसे, इनका चीप में क्या सीन है क्या नहीं है, बताओ यार फटाफट से यार। अभी ना हम लोग चेक करते हैं। एंड एक सेकंड, ये तो भाई गजब लग रहा है, एक बार देखो लुक देखो यार, कसम से भाई इतने सारे ना भाई, इतने सारे तो मेरा मैंशन भी इतना बड़ा नहीं है, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। बट ये लग नहीं रहा मुझे सारे के सारे देगा, क्योंकि ये इनके नेशन के लिए होंगे, मतलब अपने जो देश है ना उसके लिए होंगे प्रोवाइड सिक्योरिटी के लिए। सो यार ये AI सिक्योरिटी है, मतलब भाई देख रहे हो टेक्नोलॉजी कहाँ तक चली गई। सो चलो यार अभी टेस्टिंग वेस्टिंग करवाने वाले हम लोग, ये कर्नल बोल रहा है कि टेस्टिंग होने वाली है इसकी, एंड तुमको इसका सारा शो दिखाएंगे, एक्शन वाला शो भाई, चलता कैसे है सब कुछ दिखाएंगे, मतलब इसके स्टाइल कैसी है, कमांड कैसे देता है ये मुझे बताने वाला है, कमांड कैसे करना है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, एंड भाई साहब बहुत कुछ बताने वाला है ये। सो यार चलो देखते हैं, अभी ये ऑन करने वाले हैं इसको, इसकी जो चीप है ना वो सब कुछ करने वाले हैं। सो यार चलो फटाफट से एक बार यार जल्दी जल्दी कर, मुझे वेट नहीं हो रहा है, कसम से गाइस मुझे वेट ही नहीं हो रहा है। ये कब करने वाला है चालू भाई? चालू कर कर्नल, फटाफट से चालू कर, मुझे देखना है यार, अभी टाइम ही नहीं भाई, इसका छिला हुआ चेहरा देखना नहीं मुझे, जल्दी से चालू कर दे यार फटाफट से। सो यार ऑल राइट, मैं यहाँ पर ना गाइस इन्होंने चालू कर दिया है और कह रहे कि दूर हो जाओ, चूँकि ये AI है भाई, ठीक है ना, AI मतलब रोबोट, मतलब इसमें सारा कोड वगैरह होता है, मतलब इसे कुछ पता नहीं, ये इंसान नहीं है रोबोट है, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये मतलब पूरा AI है, मतलब चीप के ऊपर काम करता है। अगर चीप इसका हो गया हैक तो भाई फिर इसका कौन दुश्मन कौन फ्रेंड इसको खुद नहीं पता, क्योंकि ये बंदा चीप के ऊपर काम करता है। आराम से भाई, अरे आराम से भाई, अरे प्रेसिडेंट घोटाले भाई, तू मैनेजर है क्या है भाई? भाई बढ़िया हो, कुछ हुआ नहीं, वरना हादसा हो जाता बड़ा वाला गाइस। भाई देख रहे हो गाइस, AI इज़ फार डेंजरस यार। ये लाइन किसकी, आप ज़रूर चैट में ज़रूर बताना मेरे को, ये लाइन किसने बोली है। और गाइस यहाँ पर देख रहे हो ये चल कैसे रहा है भाई, ये बस चलता भी है या फायर भी करता है, कुछ बताओ यार, ये इतना स्लो क्यों चल रहा है? ये कह रहा है कि ये स्लो नहीं, ये भाई इतने स्पीड में चलता है भाई, जैसे स्पीड कार होता है ना उतने स्पीड में चलता है भाई साहब। अभी तो ये बोल रहा है कि जस्ट आपको दिखा रहा है, एक सेकंड, इसके ऊपर कोई चढ़ तो नहीं सकता है ना?
अगर ये कोई फाइट करता है तो कोई इस पर कोई चढ़ गया, इसका वायर गैर चेंज ना करते, ये कह रहा है कि तुम चढ़ के दिखाओ एक बार, ये तो तुम चढ़ ही नहीं पाओगे, मतलब पैर के नीचे आके मर जाओगे। यार इसने सही कहा, जैसे मैं चढ़ने गया ना भाई मैं नीचे गिर गया भाई। अगर ये तो अभी चल भी नहीं रहा, मतलब ये जस्ट खड़ा है अभी। ऑलराइट ठीक है, अभी तो यार ये बढ़िया तरीके से चल रहा है। अभी इसके बराबर रनिंग करके दिखा दो यार, इसका हमको सब कुछ चेक करना पड़ेगा ना यार, मुझे क्या बता चलता कैसे। सो यार अभी ये अपनी स्पीड दिखाने वाला है एंड यहाँ पे ना चलो इसकी स्पीड देख रहे हो। ओ भाई साहब कसम से यार गाइस, इसका लुक देख के ना भाई भाई मज़ा आ गया, मतलब ऐसी चीज़ मैं पहली बार देख रहा हूँ GTA 5 के अंदर। ओ भाई 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 भाई, भाई। यार गाइस ये क्या चल रहा है, ये क्या स्पीड है गाइस, कसम से 63 की स्पीड है गाइस। अभी तो स्पीड कम है इसकी क्योंकि ये ना अभी यहाँ पर है, ये कह रहा है कि इस पर टोटल रोड पे ना इसकी 200 की स्पीड पार कर लेगा, बट ये अभी ना यहाँ पर है तो गाइस ज़्यादा हम लोग कर नहीं सकते। तो चलो यार ठीक है यार, सही कहा इन्होंने भी, यहाँ पर ये लोग कर नहीं सकते, बट यार गाइस कसम से ठीक है मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मतलब ये क्या है भाई, कसम से बहुत बढ़िया लगा यार, बहुत ही बढ़िया लगा कर्नल यार, प्रेसिडेंट वेरी वेरी थैंक्स। अगर ये मेरे को आप गिफ्ट दे रहे हो ना, मतलब मेरे जो कुछ देखने का काम ही नहीं है, बस इसका मुझे वेपन टेस्ट देखना है, ये फायरिंग टेस्ट देखना है, ये कैसे कैसे टेस्ट करता है एंड क्या चेक करता है। यार मज़ा आ गया मतलब कसम से गाइस, भाई इतना मज़ा आया ना। अभी हम लोग इसके टेस्टिंग करने वाले फायरिंग गिरिंग के, मतलब फायर कैसे करता है। सो यार चलो आगे जाके हम लोग देखने वाले, ये कह रहा है कि आगे जाओ तुम। ऑलराइट गाइस तो मैं थोड़ा आगे आ चुका हूँ एंड देखो यहाँ पर कुछ बंद गाड़ी पड़ी है, तो यहाँ पर ये ना कह रहा है कि हम लोग इस पर डैमेज, हम लोग इस पर फायरिंग गिरिंग करते रहते हैं, मतलब यहाँ पे इनके टेस्टिंग वेस्टिंग ट्रेनिंग होती रहती है कार फोड़ने वाली, ठीक है। सो ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो ये कह रहा है कि देखो इधर ना अभी AI वाला रोबोट आएगा एंड सबको मार देगा, मतलब टेस्टिंग करेंगे वेपन वाली। तो यार चलो ये गाड़ी ठीक दिखने में ठीक ठाक है, बट चलो प्रेसिडेंट का पैसा है। सो यार पैसा बहुत है भाई, यहाँ पे कर्नल भी जो है ना प्रेसिडेंट का भाई फुल मिला हुआ है, मतलब भाई जेब में पैसा जाता है इसका मुंह बंद। सो यार चलो अच्छी बात है, एंड अभी प्रेसिडेंट भी अपना फ्रेंड है तो आर्मी भी अपनी है। पहले मैंने यहाँ पे एक चोरी की थी हाईटेक विफोन्स की, बट इन्हें पता नहीं क्योंकि मैंने मास्क पहन के चोरी की थी बट कोई बात नहीं, सो अभी देखते हैं। ऑल राइट गाइस चलो यार हमारा ना AI वाला रोबोट आ चुका है और इसका भाई गेम देखना है, मतलब ये बंदा अकेला 100 बंदों को मार सकता है। सो चलो यार अभी फटाफट से ना, ये कह रहा है कि इसको हमने कमांड दे दिया है, भाई इसको जो भी करना है वो आप देखो बस, एंड थोड़ा दूर रहना वरना ऐसा होना कि तुम पे फायरिंग कर दे। अभी फायरिंग होगी ना भाई तुमको पता भी नहीं चलेगा कहाँ गोली लगी जब तक तुम ख़त्म हो जाओगे। सो यार अभी मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है कि ये ना अपना गेम कब दिखाने वाला है। सो चलो लग रहा है ना कि इसका गेम शुरू हो चुका है, लग रहा है ये करेगा कैसे। ओ भाई भाई गाइस का जब भाई इसका एम देख रहे हो, मतलब थोड़ा नीचे है बट चलो कोई बात नहीं, बट ये बंदों को मार ही देगा गाइस कसम से। गाइस अभी इसकी और फायरिंग करनी है भाई, क्या ही घूम रहा है देख रहे हो। अरे आराम से भाई ये देख रहे हो भाई, ये AI है ना भाई डेंजर है, इसको पता नहीं है कौन किधर है गाइस, बट चलो बट अपने को मारेगा नहीं, ये कमांड देगा इसको सही तरीके से तो कुछ नहीं होगा, बट चलो यार गाइस कसम से। ओ भाई ये देख रहे हो क्या ही शूट कर रहा है कसम से यार, ये देखो भाई इसकी पावर देखो, इतने बड़े बड़े गाड़ियों को ऊपर लेके जा रहा है, ये देखो भाई ये तो पूरा हवा में लेके जा रहा है, ये देखो मैन यहाँ पर है और भी कुछ है, और यहाँ पे ये अपना मिसाइल छोड़ने वाला है, कमांड इसको दिया है। यार मैं तो कहता इसका मिसाइल छोड़ो, इसके जो बुलेट्स है ना वो इतने खतरनाक है ना, इतने लंबे लंबे बुलेट्स दिए इसमें, मिसाइल से ज़्यादा बड़े वाले इसमें बुलेट्स है, अगर छाती से पार लग रहे हैं इसे बड़े वाले निकलेंगे तो मैं बोलता हूँ इसको भाई बुलेट ही निकाल, बुलेट वाले बढ़िया जैसे तो हम लोग आरपीजी से। ओ भाई 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 ये बुलेट की पावर है कि सिर्फ बुलेट्स गाइस, ये बुलेट्स का इतना पावरफुल है, इतना स्पीड है, देख रहे हो भाई पूरा का पूरा जो टैंकर हवा में उठ, मतलब गजब है यार। कर्नल ने भाई इसको सही सही मतलब बनाया है, इन्होंने नहीं बनाया साइंटिस्ट लोग ने बनाया है इनके आर्मी को हेल्प करने के लिए, मतलब ये जो आर्मी है लॉस सैंटोस की कितनी खतरनाक हो चुकी है, मतलब हाई लेवल एडवांटेज। बट इसमें से मुझे सिर्फ दो ही मिलने वाले हैं जो कि बुरी बात है, बट एक हमारे लिए काफ़ी है। सो यार अभी प्रेसिडेंट कह रहा है देखो मुझे और भी कहीं मीटिंग वीटिंग करने जाना है एंड बहुत कुछ करना है,
अभी कर्नल से बात कर लो, तुम्हें परमिशन दे दिए, एंड दो कौन से भी पकड़ लो, सब एक जैसे ही है। एंड ना भाई तुम देखो अपनी जो सिक्योरिटी ना, मतलब इसने मुझे सिक्योरिटी क्यों दी, क्योंकि सो मैनी पायरेट्स एंड बहुत सारे कुछ हम पे हमला कर रहे हैं, तो मैं इसको पता है क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई है ना भाई, सो इसलिए। वो कह रहे देखो तुम्हारी जान नहीं जानी चाहिए, आगे जाके हमें बहुत कुछ काम करने पॉलिटिशियन में, तो इसलिए उसने मुझे चूज़ किया, मतलब मुझे गिफ्ट दे रहा है, क्योंकि उसके वीला पे हम पे अटैक हो गया था, आपने पता ही, उसने मुझे वीला गिफ्ट किया, बट वो ऐसा वीला वहाँ पे समुद्री लुटेरे आते रह रहे हैं, बट कोई बात नहीं, उनका भी गेम हम लोग ख़त्म करने वाले, ऑपरेशन करने वाले, उनका भी प्रेसिडेंट ने बोला है उनका भी गेम ओवर करना है, सारे के सारे जो है ना सोमाली पायरेट्स का गेम ओवर करना है। तो चलो यार, वो कह रहा है कि मैं निकलता हूँ, देखो तुम ना इनको अपना घर का एड्रेस दे दो जो भी है, तो इसलिए तुम यहाँ पे रुको। यार गजब बेइज्जती है, मैं तो अभी कार भी लेके नहीं आया भाई, अभी मैं क्या पैदल जाने वाला हो गया यहाँ से, अभी टैक्सी पकड़ के जानी पड़ेगी क्या भाई। सो यार चलो यार, कर्नल तो मतलब सॉरी, ये जो प्रेसिडेंट है भाई वो तो बढ़िया तरीके से चला गया, वो कह रहे कि लोकेशन तो मुझे पता नहीं तुम्हारे घर की क्या है, तो मैंने बता दो, एंड ठीक है भाई। चलो यार कर्नल साहब, देखो मैं मेरा एडमिशन मतलब जो मेरा एड्रेस वेड्रेस है ना भाई, तुम ले लो, और मैं यहाँ पे जो ट्रक है भाई मैं खुद डिलीवरी कर लेता हूँ। ये कह रहे हैं कि देखो यार डिलीवरी हम खुद कर लेंगे, तुम चले जाओ, बट भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं बोला यार देखो मैं चलाने वाला हूँ, एंड मेरे साथ जो भी बंदा है ना आर्मी वाला वो आ सकता है। सो चलो यार, अभी मुझे तो एक्सपीरियंस है भाई ज़्यादा, क्योंकि मैंने एक काम किया था इधर, आपको याद ही होगा, इन्हीं का ट्रक और इन्हीं का ट्रेलर लेके एक चोरी की थी हाईटेक वेपन्स की। सो यार चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी इनको शक ना हो जाए कि सारे हाईटेक वेपन्स मैंने चोरी ना किए भाई, इतनी आसानी से मैंने इसको अटैच कर लिया ना। सो चलो यार, दो इसमें पकड़ ला लेते हैं, एंड ये लोग खुद कर लेंगे, अपने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा ना इस पर लोड करवा देंगे, कमांड देखेंगे इस। चलो तो यार फटाफट से यार अभी वेट करते कब तक ये करेंगे। सो गाइस ऑल राइट, तो इन्होंने लोड करवा दिया इसको, कमांड देखिए ये खुद चला गया इस पर, और यहाँ पे इन्होंने कहा हमारे साथ ना दो सिक्योरिटी गार्ड भी होंगे, क्योंकि अभी डीएक्टिवेट कर लिया इन्होंने इसको, क्योंकि ये अभी ट्रक के ऊपर है, तो अभी एक्टिवेट करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं सोचा इनको ना खुद लेके जाऊँ, बट ये कह रहे कि देखो लोकेशन पता होनी चाहिए एंड कुछ सिक्योरिटी भी होनी। सो चल भाई, मेरे साथ एक बंदा आ चुका है गाइस, बहुत बढ़िया, और भाई फटाफट से देख रहे हो मतलब क्या ही नज़र आ रहा है ना, मतलब इसका लुक क्या ही नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सारे के सारे बंदे चैट पे लिख दो AIOP लिख दो, तो मुझे पता चलेगा आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो। एंड प्लीज़ यार लाइक करो यार, मतलब मैं कब से वीडियो डाल रहा हूँ, अभी तक मेरा लाइक टारगेट कम्प्लीट ही नहीं हुआ, मतलब लाइक टारगेट मैं देता हूँ यार तुम लोग करते नहीं हो, मतलब मेरा हर बारी पोपट हो रहा है। सो यार इस बारी प्लीज़ कर देना भाई 1.5K लाइक्स एंड सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं, एंड भाई मैं डेली 3 दिन में वीडियो डालता हूँ, एंड भाई दिन भर वही करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करो। आपके बोलने पे AI सिक्योरिटी मैंने बाई की है, मतलब इतने कमेंट्स आ रहे हैं AI सिक्योरिटी लो, बट इतना टाइम मुझे लग गया, कम से कम 1 महीना लगा है, मैं भी सोच रहा था AI सिक्योरिटी लूँ तो लूँ कहाँ से, बट गाइस आगे जाके हमको मिली गई, तो प्लीज़ इस बात पे एक लाइक बनता है, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड पूरी वीडियो वॉच करना, स्किप तो मत करना, स्किप करोगे तो गाइस मेरा नुकसान हो जाएगा, एंड फिर YouTube लोगों को दिखाएगा नहीं मेरा वीडियो। सो चलो यार दादा, मैं भाषण नहीं दूंगा, सो भाई चलो आराम से चलाने पड़ेगी गाड़ी, वरना इधर मोए मोए ना हो जाए। देख रहे हो भाई टैंक गैंग वगैरह सब कुछ घूम रहे हो आर्मी में, तो मुझे ना आराम से गाड़ी चलानी पड़ेगी। लेट्स गो फटाफट से ना, चलते आराम से, एंड भाई यहाँ से गाड़ी निकल जाएंगे ना, चलो निकल जाएंगे आराम से, कोई बात नहीं है, आराम से निकल जाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं है, मुझे लग नहीं है ना निकल जाएंगी। एंड इसको मैं मोटिवेशन करवा के ना, मैं सोच रहा होगा इसको मोटिवेशन करवा दूँ, बट नहीं आ रहा है, हम लोग इस पर देखेंगे आगे जाके, बट इसका आगे का क्षति गायब कर दूँ मोटिवेशन करवा के। भाई चल रही है आराम से आ गए भाई, भाई इसके अंदर से आ गया भाई, पता नहीं क्या है, बट चलो आ तो गया भाई, मुझे लगा भाई अटक जाएगा। सो यार चलो फाइनली आ चुके हैं, एंड फटाफट से ना हम लोग हमारे मेले भी मैंशन पे निकलते हैं, और वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी को और एक सरप्राइज देते हैं, ये कहेंगे यार चलो चलते हैं। ऑल राइट भाई लोग, फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे मेले भी मैंशन पर, और यहाँ पे हम लोग हमारे सिक्योरिटी को भाई जितने भी है ना भाई, NSG, मॉन्स्टर, निंजा, SPG
भाई उनको एक गिफ्ट देंगे, मतलब गिफ्ट नहीं उनको एक सरप्राइज देंगे। एंड वो लोग फिर चौंक हो जाएंगे, ये कहेंगे यार ये बंदा कितने सारे सिक्योरिटी बाय करता है। पहले हमने जो के एस पी जी सिक्योरिटी बाय की, मतलब मिस्टर के वाली एस पी जी जो कि फुल कपड़े पहने हुए, मतलब फुल कवर की हुई आर्मर वाली सिक्योरिटी, जो कि लगती नहीं है एस पी जी है बट ऐसी लगती है आर्मी टाइप है। तो एंड हमारे निंजा सिक्योरिटी एंड सबको बताएंगे यार ये वाली हमने ली है, और फिर हम लोग इससे जाके ना अटैक करने वाले हैं हमारे दुश्मन पर एंड उसकी बैंड बजाने वाले। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। सो चलो यार अभी ना फटाफट से इनको मैं बोलता हूँ अनलोड करवा दे भाई, एंड तेरा ट्रक व्रक वगैरह लेके चला जाए यहाँ से फटाफट से। अभी मेरे को मेरा काम करने दे, क्योंकि मुझे मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है आज की आज मेरा मेंशन वापस लेना है। एंड मेरे वहाँ पे ना चार चार कार चोरी हुए हुए, और आपको पता है मेरे गाइस कितने भाई मेंशन पे इतने सारे मेरे पैसे थे एंड भाई वगैरह वगैरह कार्स थे भाई, सब कुछ वहाँ पे था मेरा भाई, बट अभी सब कुछ वापस लेना है। तो चलो इन्होंने लोड तो करवा दिया गाइस, एंड ये कह रहा है कि देखो हमने लोड तो करवा दिया, अभी सारे सारे कमांड मैं तुमको व्हाट्सअप कर दूँगा एंड इसको ऑपरेशन कैसे करते क्या करते वगैरह वगैरह। सो चलो ठीक है भाई, ओके भाई तुम निकलो मैं सब कुछ कर दूंगा। वैसे हमारे पास हैकर तो है और लेस्टर भी है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, सब कुछ मुझे आता है वैसे भाई, इंसान नहीं है वरना भाई इसको ना भी बोल देता है एक झापड़ मार के। बट चलो यार ये तो जा रहा है, और भाई सब बढ़िया है इस, मतलब मज़ा ही आ गया इस। फटाफट से हम लोग अभी एक काम करते हैं, इसको अभी कमांड देते हैं, बोलते कि अंदर चला जा रोबोट, हेलो एआई रोबोट, फटाफट से ना मेरे मेली मेंशन पे चले जाओ, राइट लेंगे मतलब ठीक है ना। देखते हैं गाइस ये कैसे काम करते हैं, फिर मैंने इनको ऑर्डर तो दे दिया, अब पता नहीं यार ये काम कैसे करेगा। पहले इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा क्या, एआई एक्टिवेट हो जा, रोबोट एक्टिवेट, अभी भी नहीं हो रहा है, ख़राब तो नहीं होगी ना मशीन। यार एक सेकंड ये जाएगा क्या वहाँ से, आई थिंक ये इसके वजह से ऑन नहीं हो रहा है। जाएगा जाएगा जाएगा, मुझे लगा चल जाएगा, चले जाएगा फटाफट से। आए ऑन हो जा भाई, ये तो ऑन ही नहीं हो रहा है भाई, मुझे लग रहा है जाएगा कि नहीं, आई थिंक इसके वजह से जा नहीं पा रहा है क्या। एक सेकंड इसको ऑर्डर कैसे करते हैं, इसको ऑन कैसे करें, एक सेकंड। तो अभी मैं उसको बोलता हूँ एआई एक्टिवेट रोबोट, रोबोट एक्टिवेट गाइस, अब एक्टिवेट हो गया भाई, पता नहीं रोबोट बोलना पड़ रहा है इसको। सो यार चलो फाइनली एक्टिव हो चुका है ये, और मैंने इसको कमांड दे दिया एंड देखते हैं अंदर जाता है कि नहीं। भाई ये तो अंदर जा रहा है भाई, बहुत सही। चलो यार मैंने इसको कमांड तो दे दिया है, और ये सही तरीके से अंदर चला गया भाई विदाउट कोई डिस्ट्रैक्शन के। चलो यार बहुत सही, चलो यार गाइस मज़ा ही आ चुका है, मतलब एकदम मज़ा ही आ चुका है, एकदम बढ़िया आ चुका है, मतलब क्या ही बोलूँ। तो यार चलो ये ना बढ़िया तरीके से जा रहा है भाई, देख रहे हो मतलब भाई किसी को ठोक मत दे भाई। चलो यार फटाफट से ना ये जा रहा है, अभी देखते हैं ये पार्क होता है कि नहीं भाई, सही तरीके से पार्क हो जा भाई, बढ़िया जा रहा है गाइस। ये जो रास्ता है ना थोड़ा सा कर्व है भाई, कैसा भी रास्ता हो भाई एआई रोबोट है भाई, कैसे भी करके पार्क हो जा। अभी इससे ना हमको अटैक करना है, बस इसका गेम प्ले तो हमने देख लिया है, मतलब फुल तरीके से फाइटिंग वगैरह हो रही है, ठीक है सही तरीके से हो रही है बिल्कुल ही। सो चलो यार गाइस ये तो बिल्कुल ही सही है, एंड भाई इसको भी बोल देता हूँ भाई तू भी चले जा, ऑन हो जा भाई फटाफट से, जल्दी से जा एंड भाई खड़े हो जा जल्दी से। चलो यार इसको भी बोल दिया है, और देखते हैं यार ये भी जा रहा है बिल्कुल ही सही तरीके से। यार ये तो गाइस मतलब बिल्कुल ही ओपी है, तो आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ये वाली एआई सिक्योरिटी कैसी, वैसे एआई सिक्योरिटी बहुत सारे होती है गाइस ठीक है ना, बट ये जो है ना एडवांस मॉडिफाइड है, मतलब भाई ऊपर लेवल की है सिक्योरिटी, मतलब ये रोबोट है, मतलब बिल्कुल ही रोबोट है ठीक है। मतलब कुछ कुछ होते हैं छोटे वाले भी होते हैं, वो कि हमको लोकल प्राइवेट से मिल जाएंगे, बट गाइस ये जो है ना ऊपर लेवल वाले, समझ रहे हो मतलब ऊपर लेवल की ऐसी सिक्योरिटी आपने कभी देखी है क्या, मेरे को आप लोग कमेंट में बताओ। वैसे हमने छोटे तरीके जो होते हैं इंसान वाली जैसे होती है भाई, वो वाली सिक्योरिटी तो हमको लोकल में मिल जाएंगी, मतलब प्राइवेट वाली एजेंसी से, बट ये जो है ना भाई गवर्नमेंट के जो होते हैं ना साइंटिस्ट, उन्होंने बनाए भी मतलब फुल पैसा देके। तो यार अभी तो मज़ा आ चुका है, तो ऐसी वाली सिक्योरिटी मुझे नहीं लगता आपने कभी देखी होगी। आप लोग मुझे बताना ये वाली सिक्योरिटी आपने कभी देखी है कि नहीं, इसके निशान देखो भाई, पैरों के निशान देखो ठीक है ना भाई, बिल्कुल ही ख़तरनाक है। सो गाइस अभी यहाँ पर इसको देखते हैं बिल्कुल सही तरीके से खड़े है कि नहीं,
यार इनका हाइट देखो एंड भाई साहब ये क्या सीन है, मुझे नहीं लगता ये पूरे लॉस एंजेलिस में मैंने कहीं देखी नहीं है, और मैंने कहीं देखी भी नहीं है, आपने कहीं देखी तो ज़रूर बताना। सो यार चलो गाइस इनको ना मैं इनको वेट करता हूँ, और हम लोग को अभी जाना है हमको अटैक करने हमारे दुश्मन मार्टिन के घर, और जिसने हमारा फ्लेबे मंसन पर अटैक किया वो वापस ले लें। तो चलो फटाफट से। ऑल राइट गाइस चलो इन लोग को मैंने सारे के सारे ना कमांड्स दे दिए, ठीक है अब क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी सारा का सारा डाटा इनको प्रोवाइड कर दिया है। तो अब एक जो है ना एक मेरा मेली भी मैंशन संभालेगा और एक है ना मेरे साथ आएगा, क्योंकि देखो मेरे पास अभी ज़्यादा सिक्योरिटी के बंदे अवेलेबल नहीं, ठीक है। निंजा सिक्योरिटी को मैंने सिक्योरिटी बनकर पर लगाया हुआ है, एंड जो है ना हमारे जो दो तीन मैंशन और छोटे वाले वहाँ पर भी लगे हुए कुछ वाले, ठीक है। तो मैं इनको बोला एक बंदा इधर रहना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पे अटैक करने जाऊँ एंड वहाँ पे वो लोग फिर से अटैक कर दे यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार ऐसे हुआ मैं अटैक करने गया एंड उसने उसी टाइम पे ना प्लेबे मैंशन पे अटैक करवा दिया, मतलब एक ही टाइम पे दो अटैक, क्योंकि मैंने सारी सिक्योरिटी एक जगह लेके चला गया एंड वहाँ पे कोई भी नहीं था, उन्होंने कब्जा कर लिया और भाई साहब इसलिए। तो मैं इसलिए गाइस इनको इधर ही रख रहा हूँ, एंड जो मेरा गैरेज है ना भाई ये ओपन है, बिल्कुल ही ओपन है, क्योंकि मेरे पास ख़तरनाक वाली सिक्योरिटी है तो मुझे डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। सो चलो फटाफट से इधर चलते हैं, और यहाँ पे चलो मैं एक ख़तरनाक वाली एक कार चूज़ कर लेता हूँ। अभी देखो आज हमने थार तो चलाई भाई साहब, ठीक है थार तो मैंने चला ली है, तो आज मैं सोच रहा हूँ आज मैं ना मैं सीविक है, सीविक और रेंज रोवर इधर बाहर ही खड़ी है। सो आज मैं कौन सी कार चलाऊँ, अभी थार तो मैंने चला ली है, एक काम करता हूँ ये रेंज रोवर मैंने अभी तक चला ही नहीं है, ठीक है रेंज और जब से लिए चला ही नहीं है, ठीक है। तो आज देखते हैं इसकी स्पीड और इसने कैसे ड्राइव करती है। इसका कलर मुझे पसंद नहीं आया, इसका कलर हमको चेंज करना चाहिए कि नहीं ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कौन सा कलर इसका करूं। एंड चलो यार फटाफट से ना इसकी हम लोग नंबर प्लेट भी चेंज करवा देंगे, और कौन कौन से कार ऐड करने हमारे शोरूम में वो भी ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे शोरूम अभी ओपन हो गया है एंड भाई सुपर स्कार भी बिक रहे हैं, एंड उसमें हम लोग बढ़िया बढ़िया ना आपके फेवरेट कार हम लोग सेल करने वाले। सो चलो उसको मैंने कमांड दे दिया, वो अभी ना आते होंगे, हमारा जो एआई वाला रोबोट है ना अभी उसको सारी इन्फॉर्मेशन बता दिए एंड उसको मैंने बोला कि बस तू मुझे फॉलो कर, ठीक है उसको फॉलो वाला मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है, और बाकी उसको इंस्ट्रक्शन मैंने बोला अटैक का हमारे एनिमी के ऊपर। सो चलो देखते हैं वो अभी आ रहा है, लगता है ऐसी आवाज़ तो आ रही है, ऐसी आवाज़ आ रही ना भाई पूरी ज़मीन हिल रही इधर की। भाई साहब क्या एंट्री है गाइस, मतलब बॉस लेवल की एंट्री देख रहे हो ना गाइस, गजब है गाइस भाई फुल मजा आने वाला है, तो पूरा वीडियो देखना। अभी हम लोग अटैक करने वाले भाई एआई सिक्योरिटी से, मतलब पहली बार मैं ऐसी सिक्योरिटी देख रहा हूँ, वरना मैं सिक्योरिटी देखता हूँ बहुत सारे लोगों की, उसमें बस कुछ लोग मतलब इंसान के जैसे ही होते हैं, बस उसको एआई का नाम दे देते हैं, बट मुझे नहीं लगता ये एआई से ज़्यादा सबसे ख़तरनाक वाली सिक्योरिटी कोई होगी, इसको आगे जाके हम लोग मॉडिफाइड भी करने वाले हैं, ठीक है ना, मतलब इसमें और भी ऐसे चीज़ ऐड करेंगे जो कि भाई बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक होने वाली है। उसमें अभी बहुत ज़्यादा दो तीन चार फीचर्स है, होमिंग लॉन्चर भी इसमें बहुत ज़्यादा ही है, बट इसकी जो बुलेट्स की जो फायरिंग है ना भाई बहुत ख़तरनाक है। तो देखते हैं ये मेरा पीछे आता है कि नहीं, इसको मैंने कमांड तो दे दिया है, बस इसके चीप हैक ना हो जाए और ऐसा कुछ हो नहीं जाए। सो देख रहे हो मेरा पीछे आ रहा है भाई, इसकी स्पीड एक बार चेक करते हैं। अभी मैं चला रहा हूँ कितने की स्पीड में गाड़ी, 50 के, तो यार अभी बराबर 50 की स्पीड में आ रहा है। सो यार चलो मतलब देख रहे हो अभी मैं देख रहा हूँ बिल्कुल चला रहा हूँ, देखो अभी भी आ रहा है, ठीक है अभी स्पीड मैंने कर दी है 60-100 की कर दी है भाई, अभी भी आ रहा है, मतलब स्पीड इसने जो बोली ना बिल्कुल एकदम सही है, मतलब ये रोबोट है यार, अभी क्या एक्सपेक्ट करेंगे, सुपर कार थोड़ी ना है, ठीक है ना, मतलब ये 100 की स्पीड पकड़ ही लेता है कम से कम। तो देखेंगे आगे जाके इसको मॉडिफाइड करेंगे गाइस हम लोग, मतलब ये कार की तरह ही बोलो इसको, बट ये ऑटोमेटिक काम करता है गाइस। तो हम लोग मैं सोच रहा हूँ इसको मॉडिफाइड करके मैं खुद इसके अंदर बैठ के इसको कंट्रोल करूँ, तो फिर कैसे होगा गाइस, इसके हम लोग जो चीप है ना इसके अंदर, जो इसके अंदर की चीप है वो हैक नहीं हो जाएगी। तो आप लोग क्या बोलते हैं ऐसा कुछ करेगा, तो ऐसा कुछ करना है तो आप लोग चैट में बताना, इसकी चीप निकाल के हम लोग ना इसको कन्वर्ट कर दे मैनुअल तरीके से, वो भी बढ़िया होगा। तो चलो यार कोई ना, हम लोग ना यार ये तो मेरे पीछे आ रहा है, तो चलो लोकेशन पे मिलते हैं आप लोग को, हमारी जो लोकेशन है ना अभी डायरेक्ट जाके अटैक करना है, ठीक है अभी कोई प्लान व्लान नहीं हमारा, क्योंकि एआई मेरे पास। तो चलो फटाफट चलते हैं।
ऑल राइट गाइस, फाइनली ना मैं प्लेबे मेंशन के नज़दीक आ चुका हूँ, जो कि मेरा ही मेंशन था। मतलब ये डगन बॉस का था, बट डगन बॉस का मैंने हमला करके वापस ले लिया भारत में। फिर उसके जो फ्रेंड है मार्टिन, उसने मुझे उल्लू, मतलब डगन बॉस और मार्टिन ने मिलकर उल्लू बना दिया। आपको याद ही होगा, फिर से बता रहा हूँ जिसने नहीं देखा है भाई। अभी मैं इधर आया हूँ भाई उस पर अटैक करने। देखो अभी मैं सबको, अभी ऐसे अटैक तो नहीं करूँगा, अभी जितने भी मेरे सारी सिक्योरिटी सबको मैं पहले कॉल कर दूंगा एंड फिर उनको अटैक करेंगे, ठीक है। आज एक भी बंदा मरना नहीं चाहिए हमारा। अभी इनके देखो, इसके पास ना एयर डिफेंस बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैं इस पर एयर डिफेंस अटैक नहीं कर रहा हूँ, वरना एनएसजी ना भाई को कब से ख़त्म कर चुकी होती। एआई की ज़रूरत भी नहीं है, बट इनके पास एयर डिफेंस है, क्योंकि मैं आपको पता है मेरी जो एनएसजी है ना वो सिर्फ एयर स्ट्राइक करती ख़तरनाक वाली, तो इनको सब कुछ पता है। तो चलो मैं कॉल कर लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, मैंने सबको कॉल कर दिया है एंड मेरे चार टाइप की सिक्योरिटी आती होंगी, देखते हैं कब तक आती है। कॉल तो कर दिया है, देख अभी। ऑल राइट गाइस, तो देखो अभी मेरी सारी की सारी सिक्योरिटी आ चुकी है, मॉन्स्टर निंजा KSPG और यहाँ पे हमारी NSG जिसके पास हाईटेक वेपन्स है। बट मैंने इनको बोला है कि देखो मेंशन पे भी रहना है। यहाँ पे मैंने कम लाए, ठीक है, सबके चार चार के स्क्वाड के बंदे लाए और यहाँ पे KSPG और हमारी निंजा, चलो यार मॉन्स्टर सिक्योरिटी। तो डायरेक्ट हम लोग अटैक करने वाले, पहले हम लोग ना हमारे रोबोट को आगे जाएंगे। तो भाई कमांड इसका मैं स्टार्ट कर देता हूँ एंड देखते हैं कब तक आगे जाता है। एंड चलो भाई, इसका कमांड मैंने दे दिया। अरे भाई अभी से स्टार्ट कर दी फायरिंग। देखो भाई इनकी अब बैंड बजने वाली, इनको पता भी नहीं है क्या चीज़ है। देखो मैंने कमांड दे दिया इसको डायरेक्टली और हम लोग पीछे से आएंगे, अटैक करेंगे, ठीक है। मतलब इसके पीछे हम लोग होने वाले हैं, ऐसे नहीं कि हम लोग कुछ करेंगे नहीं भाई, हम लोग अभी आए फाइट करने के लिए। हम लोग इसके पीछे से ना भाई सबको मार रहे हैं, ठीक है। बट ये देखो भाई इसका गेम प्ले देखो, मैं इसके ऊपर ही फोकस करा रहा हूँ आप लोग को एंड हम लोग पीछे है गाइस, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम भी अटैक नहीं करेंगे भाई, बेचारे अकेले को फाइट कर रहे हैं। भाई साहब ओह भाई गाइस ओपी लिख दो यार, सारे के सारे बंदे चैट पे। यार ये जो चीज़ है ना भाई, गजब ही लेवल की। इसका जो फोर्स है ना बुलेट का, इतना पावरफुल है, मतलब बड़े बड़े कार तक उड़ जा रहे हैं, देख रहे हो, इतना फोर्स है इसके बुलेट में, इतनी स्पीड, मतलब क्या ही बोले। चलो यार ये आगे तो जा रहे हैं, लग रहा है सबको मार रहे हैं, हम भी इसके पीछे पीछे आ रहे हैं गाइस, ठीक है। और भाई साहब ये देखो भाई, सबको ही मार दे रहा भाई, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये जो है ना RPG तक छोड़ रहा है। ओ भाई साहब गाइस एक ही नंबर, गजब है भाई, गजब है यार, पूरा हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम लोग बस पीछे पीछे आ रहे हैं गाइस, ठीक है। हम लोग बस के पीछे पीछे आ रहे हैं, मैं इस पर फोकस करता हूँ, आपको देखिए बढ़िया तरीके से एंड आप पे इंजॉय कर सको, इसलिए मैंने इस पर फोकस कर लिया है। वैसे हम तो कुछ कर ही नहीं था, हम आपको क्यों दिखाए, तो फाइटिंग दिखानी जरूरी है। सो यार चलो हम भी इधर से आ रहे हैं इस खतरनाक वाला, देख रहे हो हमारे भी लोग ना हार रहे इधर से, और ये बंदा अकेला ही काम कर रहा है बिल्कुल ही गाइस, खतरनाक तरीके से ना भाई काम चल रहा है। चल भाई लग रहा है आगे जाने वाला है, सबको टपका दिया इसने भाई, सबको टपका दिया भाई साहब, बहुत बढ़िया, अंदर बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा ही लोग हैं गाइस, गाइस गजब है भाई, गजब, सबको ही मार दिया बिल्कुल यार गाइस, क्या ही बात है, ओपी लेवल भाई साहब, ओपी लेवल गाइस। हम भी इधर से ना इसको देख रहे हैं, ये देखो आगे जा रहा है, बिल्कुल ही आगे जा रहा है एंड इसे कुछ बंदे छोड़ दे रहे हैं, मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये जो कुछ ऊपर लेवल के बंदे ना इनको मार नहीं पा रहे, लग रहा है ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसके जो आ नहीं रहा है गाइस, पता नहीं गाइस, मुझे नहीं पता, ये ऊपर के बंदों को मार नहीं पा रहा है अगर इसके क्लोज में ऊपर हो ना। भाई साहब गजब यार, ये क्या रोबोट है गाइस, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार लिख दो गाइस चैट की, कुछ तारीफ कर दो इस रोबोट की गाइस, कुछ ना कुछ बढ़िया सा कमेंट कर दो इसके लिए, बढ़िया सा कमेंट कर दो, मुझे समझ आएगा आप इसको, इसके बारे में क्या सोचते हो यार, ये क्या चीज़ है गाइस। भाई साहब ये देख रहे हो, सबको मारे जा रहा है गाइस बिल्कुल, ये सारे रोबोट्स, यार ये रोबोट है या क्या है गाइस, भाई साहब गजब यार गाइस, देख रहे हो सबको मार रहा है मिसाइल से, बिल्कुल ही एक ही नंबर गाइस, गाइस बढ़िया तरीके से भाई सबको खेल रहा है भाई, बिल्कुल ही सही तरीके से, बहुत ही बढ़िया चीज़ है गाइस। ऑल राइट गाइस, चलो बहुत बढ़िया, एंड ये सबको मार रहा है, हम भी इसके पीछे पीछे आ ही रहे हैं, बस हम लोग थोड़ा दूर बैठे वरना ये हम पे फायर ना कर दे, वरना ये गाइस भाई कुछ भी हो जा सकता है इधर। चलो यार बहुत सही गाइस, ये कि भाई एक ही मिनट में ना भाई, मुझे पता नहीं कितना मिनट हुआ है, लग रहा है ऑलमोस्ट 2 मिनट हो चुका है, बट सब कुछ फिनिश, अगर हम लोग आते ना भाई कम से कम 10 या 15 मिनट लगते,
गाइस ये देखो भाई, ये इनके सबकी फट चुकी है इधर। मुझे लग नहीं रहा मार्टिन होगा, मार्टिन तो वाई सिटी में रहता है, वो हमेशा मार्टिन ना जो वाई सिटी का बनता है। ठीक है गाइस, गजब है भाई, गजब भाई, क्या ही मार रहा है ना गाइस। ओ भाई साहब, इसका लेवल ओपी है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसको, क्योंकि रोबोट है यार। गाइस गजब है, बिल्कुल ही गाइस गजब। ये जब पलट रहा है ना, मतलब ये कितने रूप ले रहा है देख रहे हो। ओपी ओपी भाई, बहुत सही, बहुत ही सही। फायर भी कर रहा है, मिसाइल भी छोड़ रहा है, मतलब गजब है। इसको और मोटिवेशन करवाना है क्या जरूर बताना। गजब गजब भाई, नेक्स्ट लेवल इसका गेम प्ले है, मतलब ये है ओपी। इसको सिक्योरिटी बोलूँ या क्या बोलूँ गाइस, मजा ही आ गया। इतना बड़ा रोबोट है ना भाई, मतलब बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ये जो है ना बड़े बड़े वार्स में काम आते हैं। तो देखो कुछ बच, ये ना कुछ लोग को छोड़ दिया पीछे, तो मैं इनको मैं मार देता हूँ भाई। कुछ लोग को छोड़ दिया इसने पीछे, पता नहीं गाइस, मुझे नहीं पता क्या सीन है, बट यार रोबोट है गाइस, तो रोबोट से क्या एक से मतलब हम लोग वो कर सकते हैं इसके जो भी है ना। बट ठीक है चलो, इसने कुछ लोग को मार दिया था, बट ठीक है। लग रहा है देख रहा हूँ सबकी लाशें पड़ी इधर भाई, सबकी लाशें पड़ी बिल्कुल ही गाइस। चलो चलो चलो, बहुत ही सही, बहुत ही सही तरीके से ना, एक ही नंबर भाई साहब। चलो मज़ा ही आ चुका है, मतलब यार मेरे पास वर्ड ही नहीं है गाइस, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मुझे समझ तक नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। इसकी तारीफ कर करते मैं थक चुका हूँ, आप लोग भी देख ही रहे होंगे यार, मतलब यार ये बंदा बोल रहा है इतना तारीफ क्यों कर रहा है भाई। यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ इसका ना, मतलब हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना गाइस, मतलब लिटरल यार देख रहे हो। चलो यार कहाँ गया भाई, किधर गया, इधर गैप तो नहीं हो गया ना भाई, एक गैप तो नहीं हो गया ना गाइस, पता नहीं कहाँ चला गया। चलो हाँ ये रहा, ये रहा भाई, दिख ही नहीं रहा मुझे। हाँ इधर भी बहुत सारे लोग को मार दिया इसने, बहुत सही तरीके से। ओके यार अब इसको शांत कर देते, लगता है सब मर चुके हैं। ये भाई ये बंदा ना, इसको सारा पता चलता है बंदा आसपास कौन है, मतलब ये सबको डिटेक्ट करता है, कितने लोग इसके आसपास है, क्या है, मतलब सब कुछ हर चीज़ ये डिटेक्ट कर लेता है, जो कि ना अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यार यहाँ पे कोई भी नहीं सच में यार गाइस, तो यार बहुत ही बढ़िया चीज़ है, एंड ये सारे की सारी चीज़ें ना डिटेक्ट कर लेता है। सो यार चलो बहुत ही सही तरीके से ना, अभी एक सेकंड इसके पास मैं जाता हूँ और इसको एक कमांड बोलता हूँ कि यार देख तू एक चक्कर मार के, और ना सारे के सारे चेक कर रोड पर ना भाई क्या सीन है। तो इधर हमारी सारे के लोग आ चुके हैं, एंड ये भी बोल रहे हैं कि यार ये तो बढ़िया चीज़ है भाई, हमारा तो इसमें मतलब कुछ फाइट में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है भाई, जो कि यार ओपी लेवल है। चलो भाई साहब इसको मैं बोलता हूँ यार एक ना तू भाई राउंड मार क्या, सब कुछ देखते हैं यार, फिर मज़ा आएगा गाइस कोई हो ना हो। तो चलो एक बार गाइस इसको मैंने कमांड दे दिया, ये देखो बिल्कुल ही काम कर रहा है, मतलब जो इसको कमांड देंगे ना भाई वो काम करेगा, तो बढ़िया है गाइस, एक ही नंबर, बहुत ही बढ़िया। देख रहे हो सब कुछ ना, ये चक्कर मार रहा है एंड पता नहीं सब कुछ चेक करेगा, एंड भाई बढ़िया यार ये तो गाइस, इसको बस कमांड दो ये सब कुछ काम करेगा। लग रहा है रोड पर चला गया, एंड भाई घूमेगा वगैरह जो भी मानसन के आसपास ना, ये ऐसे ही घूमते रहेगा हमारे, एंड प्रोटेक्शन करेगा जो भी लोग आ रहे हैं ना, सब कुछ देखेगा। तो गाइस ये तो बहुत बढ़िया वाली चीज़ होगी, एआई सिक्योरिटी ना मैंने सोचा नहीं था इतनी खतरनाक होगी, बट ज़्यादा ही खतरनाक है। चलो यार ये तो घूमते रहेंगे ऐसे ही गाइस, सब कुछ सबके ना गाइस ये रोडों पे घूमते रहेंगे, एंड सब कुछ हमारा मानसन चेक करते रहेंगे। और हमारे यहाँ पे सारे के सारे सिक्योरिटी ने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प की, मतलब हमारे चार सिक्योरिटी इधर देख रहे हो, निंजा और KSPG और इधर मॉन्स्टर और हमारी NSG भाई, चारों के चारों सिक्योरिटी, और हमारा पांचवी सिक्योरिटी AI सिक्योरिटी, जो कि यार एक ही बंदा है, हमारे पास दो है वैसे, बट भाई 100 लोग को मारने का दम रखते हैं एक ही टाइम पे। तो यार आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस लाइक कर दो और सब्सक्राइब करो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। तो गाइस यहाँ पर सारे के सारे बंदे लिख दो, वीडियो OP लिख दो, मुझे समझ आएगा आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। और वीडियो को लाइक टारगेट 1.5 के लाइक्स का, आई होप आप लोग कंप्लीट करवा दोगे, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, आप लोग बस कंप्लीट करवा दो। 1.5 के लाइक्स होते ही भाई मैं अगले दिन ही वीडियो डाल दूंगा, बस जस्ट डाल दूँ, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से लाइक टारगेट कंप्लीट करो और बढ़िया से कमेंट करो, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।